हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर महिपाल, जूलॉजी फैकल्टी, सीएलसी सीकर. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोलॉजी सेक्शन ऑफ योर पार्ट टेस्ट थर्ड. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अवर फूड आर, फूड के कंपोनेंट्स रिगार्डिंग बात की है बेटा. और फूड के कंपोनेंट्स की बात करें तो दो टाइप के कंपोनेंट्स होंगे, मेजर कंपोनेंट्स एंड माइक्रो कंपोनेंट्स. मेजर कंपोनेंट्स की बात करें तो अपने फूड के अंदर जो मोस्ट अमाउंट के अंदर, मोस्टली अमाउंट के अंदर या मोर अमाउंट के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट की बात करें, फैट की बात करें या फिर प्रोटीन्स की बात करें, तो इनको इंक्लूड किया हुआ है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड के अंदर. इसी वजह से अब आपको ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट तीन ऑप्शन दिए हुए. फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, विटामिन्स नहीं होगा. सेकंड ऑप्शन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन. और कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की बात करें तो तीनों ही ये क्या है, मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड के अंदर इनको कंसिडर किया हुआ है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो बेटा इसका आंसर होगा सेकेंड. थर्ड की बात करें तो थर्ड में प्रोटीन दिया हुआ है लेकिन विटामिन्स बेटा मेजर कंपोनेंट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे. फोर्थ ऑप्शन के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन भी होगा, फैट भी होगा लेकिन विटामिन्स की बात करें या मिनरल्स की बात करें तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट या माइक्रो कंपोनेंट के बतौर कंसिडर करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा सेकंड. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर पूछा है इन मेमल्स द टीथ आर, मेमल्स के अंदर टीथ से रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है. ए के लिए बोला है ऑफ डिफरेंट टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ डेंटिशन की बात करें जिनके अंदर साइज शेप वगैरह है और फंक्शन के बेसिस पे टीथ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, तो इस डेंटिशन को क्या बोलेंगे, हेटेरोडोंट. तो ए के लिए कंडीशन होगी हेटेरोडोंट. ऐसे ही बी के लिए बोला है एम्बेडेड इन द कप लाइक सॉकेट इन जॉ बोन, जॉ बोन के अंदर जो सॉकेट होते हैं उनके अंदर अगर एम्बेडेड रहेंगे तो इस टाइप के डेंटिशन को बोलेंगे थीकोडोंट, थीकोडोंट बोलेंगे. और सी के अंदर बोला है ओनली टू सेट्स प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, इसी टाइप के डेंटिशन को अपन बोलेंगे डाइफाइडोंट. अब ऐसी कंडीशन आपको ऑप्शन के अंदर देखनी है जिसके अंदर ए के लिए हेटेरोडोंट, बी के लिए थीकोडोंट और सी के लिए डाइफाइडोंट को रिप्रेजेंट किया गया हो. फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है हेटेरोडोंट, सेकेंड में दिया हुआ है थीकोडोंट एंड थर्ड में दिया हुआ है डाइफाइडोंट. और ए बी और सी के लिए अगर बात करें द कंडीशन आर रेफर्ड, ए कंडीशन हेटेरोडोंट को रिप्रेजेंट कर रही है, बी कंडीशन थीकोडोंट को और सी कंडीशन डाइफाइडोंट को. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जबकि सेकंड ऑप्शन की बात करें तो सेकंड ऑप्शन में पहले थीकोडोंट दिया हुआ है जबकि ए जो है वो हेटेरोडोंट है. ऐसे ही तीन नंबर के अंदर दिया हुआ है डाइफाइडोंट, ये भी गलत हो गया. और फोर्थ ऑप्शन में हेटेरोडोंट दिया हुआ है लेकिन बी के लिए बोला है डाइफाइडोंट, तो ये गलत हो गया. इसी वजह से क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो इसका आंसर होगा फर्स्ट. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, What prevents the entry of food into the glottis? Glottis की बात करें तो opening of windpipe. Windpipe की opening है, trachea की opening है, उसको glottis बोलते हैं. During the intake of food, food को intake जब करते हैं, जब swallow करते हैं, तो उस time में उस food को इस windpipe में जाने से कौन रोकता है, उससे regarding question पूछा है. A के अंदर दिया हुआ है glottis itself prevent the entry of food. First option बोल रहा है कि glottis खुद ही इसको prevent कर लेता है, नहीं ऐसा नहीं है, ये option ठीक नहीं होगा. Air present in windpipe prevents the entry of food, नहीं ये भी ठीक नहीं है. Air के द्वारा भी windpipe के अंदर फूड की एंट्री को प्रिवेंट नहीं किया जाएगा. ऐसे ही फूड एंट्री इनटू द ग्लॉटिस इज प्रिवेंटेड बाय एनुलर रिंग ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स की एनुलर रिंग के द्वारा रोका जाता है ऐसा बोला गया है, लेकिन ये भी ठीक नहीं है. फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है फूड एंट्री इज प्रिवेंटेड बाय एपिग्लॉटिस इनटू द ग्लॉटिस. बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि ग्लॉटिस जो होती है उसको एक लिड लाइक स्ट्रक्चर जिसको कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन बोलते हैं एपिग्लॉटिस, उस एपिग्लॉटिस के द्वारा कहीं ना कहीं जब सॉल्व किया जाता है इनटेक को फूड के टाइम में विंड पाइप को क्लोज कर दिया जाता है जिसकी वजह से फूड एंटर नहीं कर पाता. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो इसका आंसर होगा फोर्थ. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर दिया हुआ है गो थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स रिगार्डिंग द एलिमेंट्री कैनाल एंड चूज करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन देखने को देखने हैं आपको जो भी स्टेटमेंट दिए हुए उनके अंदर. फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है द ओरल केविटी लीड्स इनटू ए सॉल्ट फेरिंग्स व्हिच इज सर्व एज
कॉमन पेसेज फॉर फूड एंड एयर, बिल्कुल सही बात है। ओरल कैविटी की बात करें तो वो पीछे वाली साइड में जहां पे फूड एंड एयर के लिए जो कॉमन पेसेज होता है उसके अंदर ओपन होती है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, फेरिंग्स। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट के लिए बोला गया है द ईसोफेगस एंड द लैरिंग्स ओपन इन टू द फेरिंग्स। ईसोफेगस की बात करें या फिर लैरिंग्स की बात करें तो दोनों ही की दोनों ओपन किसके अंदर होते हैं, कॉमन जो पेसेज होता है फूड एंड एयर, दोनों की ओपनिंग फेरिंग्स रीजन के अंदर होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट में दिया हुआ है एक कार्टिलेजिनियस रिफ्लेक्स कॉल्ड एपिग्लॉटिस, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इन टू द ग्लॉटिस ड्यूरिंग सॉल्विंग। बिल्कुल सही बात है, जब भी सॉल्व करते हैं फूड को इंटेक करेंगे तो प्री एपिग्लॉटिस के द्वारा फूड की एंट्री को प्रिवेंट किया जाता है ग्लॉटिस के अंदर, स्टेटमेंट सही है। फोर्थ स्टेटमेंट दिया हुआ है द ईसोफेगस इज ए जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, नहीं जे से बैग लाइक स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा ये स्टमक होता है ना कि ईसोफेगस होता है, स्टेटमेंट फोर की बात करें तो वो होगा इनकरेक्ट। आगे दिया हुआ है ए मस्कुलर गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इन टू द स्टमक, बिल्कुल सही बात है। मस्कुलर गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है जो कि स्टमक और ईसोफेगस की जो का जो जंक्शनल रीजन होता है वहां पे प्रेजेंट होता है, जो कि फूड की एंट्री को कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है स्टमक के अंदर, इसी वजह से स्टेटमेंट फिफ्थ की बात करें तो ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे सिक्स नंबर के स्टेटमेंट में दिया हुआ है द स्टमक लोकेटेड इन द अपर राइट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, अपर राइट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी नहीं बेटा, अपर लेफ्ट पोर्शन की बात करें तो उसके अंदर स्टमक प्रेजेंट होगा, तो स्टेटमेंट सिक्स की बात करें तो ये भी इनकरेक्ट है। अब टोटल सिक्स स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनमें से फोर और सिक्स स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हैं, बाकी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन के अंदर पूछा है एलिमेंट्री कैनाल एंड चूज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को आपको देखना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड एंड फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ आर करेक्ट है, नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ करेक्ट है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सेकंड एंड फिफ्थ आर करेक्ट, नहीं ये भी नहीं होगा। आगे दिया हुआ है ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट फोर एंड सिक्स, फोर्थ की बात करें और सिक्स की बात करें तो ये इनकरेक्ट है, इसके अलावा सभी सही है, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें तो इसका आंसर होगा थर्ड, जबकि फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ, ये भी नहीं होगा, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर आएगा बेटा थर्ड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें, स्टमक का डायग्राम दिया हुआ है आइडेंटिफाई ए टू ई इन द गिवन फिगर, ए की बात करें तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा ईसोफेगस को, ऐसे ही बी की बात करें तो बी पाइलोरिक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ई की बात करें तो ई कार्डियक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी की बात करें तो ये फंडस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डी की बात करें तो डी रिप्रेजेंट कर रहा है ड्यूडेनम वाले पार्ट को, ड्यूडेनम का भी सुपीरियर जो पोर्शन होता है उसको। अब ऐसा ऑप्शन आपको देखना है। अब ए की बात करें तो ए क्या है, ईसोफेगस है, बिल्कुल सही है। बी की बात करें तो बी देखिए पाइलोरिक जो है वो बिल्कुल सही है। सी की बात करें तो सी फंडस होगा, ऐसे डी की बात करें तो सुपीरियर पोर्शन जो है ड्यूडेनम का वो भी सही है, और ई की बात करें तो कार्डियक पोर्शन ऑफ स्टमक को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में ही सारी इंफॉर्मेशन जो है, सारी लेबलिंग जो है उनसे रिगार्डिंग करेक्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है। आगे अगर बात करें तो ए के लिए बोला रहा है पाइलोरिक बिल्कुल नहीं है, सेकंड इस वजह से नहीं होगा, ऐसे ही थर्ड ऑप्शन के अंदर ए सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम नहीं, ए तो ईसोफेगस है, ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन के अंदर ए को बोल रहा है ईसोफेगस, बी को बोल रहा है फंडस, बी फंडस नहीं है, बी पाइलोरिक पार्ट है, इस वजह से आंसर भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें तो आइडेंटिफाई वन टू थ्री फोर एंड फाइव रेस्पेक्टिवली इन द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट, गट का हिस्टोलॉजिकल सेक्शन आप यहां पे रिप्रेजेंट किया हुआ एनसीआरटी का डायग्राम है बेटा, और इस एनसीआरटी के इस डायग्राम के अंदर गट के ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है उनसे रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन देखनी है। चलो सबसे पहले देखते हैं, एक नंबर की बात करें तो ये आउटर मोस्ट जो लेयर है उसकी बात कर रहा है, यानी कि ये क्या होगी सीरोसा, और सीरोसा की बात करें तो सीरोसा के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं मस्कुलेरिस। मस्कुलेरिस की भी बात करें तो आउटर जो लेयर होती है वो आउटर लेयर होगी बेटा लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की, इसी वजह से तीन नंबर की बात करें तो ये तो होगी लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, और दो नंबर की बात करें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कुलर मसल को,
ये लो सर्कुलर मसल्स। उसके बाद में चार नंबर की बात करें तो फोर नंबर पे रिप्रेजेंट किया हुआ है सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है उसको, और चार नंबर पे अपन रिप्रेजेंट करेंगे म्यूकोजा को। ऐसे ही पांच नंबर की बात करें तो सबसे इनर मोस्ट लेयर के जस्ट नीचे वाली साइड में जो ये लेयर प्रेजेंट है इसको बोलते हैं सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा। अब ऐसा ऑप्शन आपको देखना है जिसके अंदर सीक्वेंस के अंदर सीरोसा, सर्कुलर मसल लेयर, लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा को रिप्रेजेंट किया हुआ हो। चलो पहला ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में सीरोसा, सर्कुलर मसल लेयर, लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो सारे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही सभी को सिक्वेंस के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें तो सिक्स का आंसर होगा फर्स्ट, जबकि सेकेंड ऑप्शन में सीरोसा दिया हुआ है लेकिन सीरोसा के बाद में लॉन्गिट्यूडिनल मसल को रिप्रेजेंट किया हुआ है, जबकि दो नंबर जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल नहीं बेटा सर्कुलर मसल्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसी वजह से सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड के अंदर पहले आउटर मोस्ट जो है उसको म्यूकोजा रिप्रेजेंट किया हुआ है। ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो सर्कुलर मसल लेयर, लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, लेकिन अंदर वाली साइड की बात करें तो म्यूकोजा को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सब म्यूकोजा के द्वारा, और सब म्यूकोजा को रिप्रेजेंट कर रहा है म्यूकोजा, इस वजह से ये भी आंसर नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आपको आंसर ध्यान रखना है फर्स्ट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेवन, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी एंड चूज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है। इंटेस्टाइन के अंदर विलाई वाला जो सेक्शन होता है उसको यहां रिप्रेजेंट किया हुआ, उससे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ए के लिए बोला गया है विलाई टू इंक्रीज सरफेस एरिया, बिल्कुल सही बात है। ए की बात करें तो ये विलाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, विलस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनका क्या फंक्शन होता है विलाई की बात करें, माइक्रो विलाई वगैरह की बात करें तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करवाना इनका फंक्शन होगा, सही बात है। बी के लिए बोल रहा है लैक्टियल्स, फैट एब्जॉर्प्शन, बी की बात करें तो बी रिप्रेजेंट कर रहा है लैक्टियल्स को, लैक्टियल की बात करें तो ये फैट एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ये बात भी सही है। सी की बात करें तो सी के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिलरीज और ब्लड सर्कुलेशन। सर यहां पे सी को देखिए, सी की बात करें तो ये कैपिलरीज है, बिल्कुल सही बात है, और कैपिलरीज की बात करें तो ब्लड सर्कुलेशन में हेल्पफुल होती है, ये बात भी सही है। ऐसे ही डी के लिए बोला गया है लिम्फ वेसल्स और एब्जॉर्प्शन इसका फंक्शन बताया गया है। अब डी की बात करें तो डी ये बेटा लिम्फ वेसल्स को डिनोट नहीं कर रहा, ये विलाई जो होते हैं उनके बेस वाले पार्ट पे पोर्शन में क्या देखने को मिलता है, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोहन। तो एक्चुअली यहां जो रिप्रेजेंट करना था डी को वो क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोहन है, जबकि यहां ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है लिम्फ वेसल, तो ये लिम्फ वेसल नहीं है, क्रिप्ट ऑफ लिवर कोहन है, इसी वजह से फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो क्वेश्चन के अंदर इनकरेक्ट पूछा है, और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन होगा, ये इनकरेक्ट है, डी है क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोहन, जबकि इसको रिप्रेजेंट किया गया है लिम्फ वेसल्स के बतौर, इस वजह से आंसर होगा इसका फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 8 के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ है मैच द फॉलोइंग फॉलोइंग ग्लैंड्स कॉलम फर्स्ट विथ दियर सिक्रीशन ऑफ कॉलम सेकंड एंड चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द कॉर्ड्स गिवन बिलो। कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड को मैच करना है आपको। नेक्स्ट सेल की बात करें तो म्यूकस नेक्स्ट सेल, बेटा किसका सिक्रीशन करेंगी, नेक्स्ट सेल म्यूकस का सिक्रीशन करती है, मैच कर दो। ऐसे ही सेकंड के अंदर दिया हुआ है बी पेप्टिक सेल चीफ ही या फिर जाइमोजन सेल्स की बात करें तो स्टमक में प्रेजेंट होती है और पेप्सिनोजन का ये सिक्रीशन करवाती है, तो बी को मैच कर दो पेप्सिनोजन के साथ। ऐसे ही पेराइटल सेल या ऑक्सिंटिक सेल की बात करें तो ये सिक्रीशन करवाती है बेटा एचसीएल का या इंट्रिंसिक फैक्टर का, इसी वजह से सी को मैच कर दो ए के साथ। और साथ ही हिपेटोसाइट, हिपेटोसाइट की बात करें तो लीवर के अंदर प्रेजेंट होती है और ये किसका सिक्रीशन करवा सकती है, बाइल जूस का। अब आपको मैच करते हुए ऐसे ऑप्शन देखना है जिसके अंदर ए के अंदर टू दिया हुआ हो, ए के अंदर टू, बी के अंदर दिया हुआ हो थर्ड, बी के अंदर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाएगा फर्स्ट, जिसके अंदर बी के अंदर थर्ड, सी के अंदर वन और डी के अंदर फोर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आगे पूछा है चूज द ऑप्शन कंटेनिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट से रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन देखनी है। पहला स्टेटमेंट देखिए, लाइपेज एंड न्यूक्लियसेस आर नॉट प्रेजेंट इन पेंक्रियाटिक जूस, नहीं पेंक्रियाटिक जूस के अंदर बेटा प्रेजेंट होता है, जबकि स्टेटमेंट में दिया हुआ है नॉट प्रेजेंट। पेंक्रियाटिक जूस में लाइपेज एंड न्यूक्लियसेस प्रेजेंट होंगे, स्टेटमेंट की बात करें तो यहां फर्स्ट स्टेटमेंट
इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट मार्क कर दो। सेकंड में पूछा है गॉबलेट सेल सिक्रेट म्यूकस, सही बात है। ब्रूनर्स ग्लैंड आर सब म्यूकोसल ग्लैंड, ये बात भी सही है। ऐसे ही फोर्थ स्टेटमेंट कार्बोक्सी पेप्टाइड इज कैटालाइजेस कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन पेप्टॉन्स एंड प्रोटीओजेस टू डाइपेप्टाइड्स, ये बात भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ की बात करें तो वो करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें तो वो इनकरेक्ट होगा। और इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है क्वेश्चन के अंदर, तो उससे रिगार्डिंग अगर आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो आइडेंटिफाई ए बी सी, ए बी और सी को आइडेंटिफाई करना है। एनसीईआरटी के अंदर रिएक्शन दी हुई है बेटा, एंजाइमेटिक रिएक्शन। सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन जैसे ही सिक्रीट होता है पेंक्रियाटिक जूस की फॉर्म में इंटेस्टाइन के अंदर आता है, तो इंटेस्टाइन के अंदर ड्यूडेनम के अंदर जैसे ही पहुंचता है तो इससे ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम एंटेरोकाइनेज करता है। तो ए की बात करें तो ए बेटा एंटेरोकाइनेज होगा। और बाद में जैसे ही ये ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो जाता है, ट्रिप्सिन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, रिमेनिंग जो एक्टिवेशन का काम है ट्रिप्सिन खुद कर लेता है। इसी वजह से काइमोट्रिप्सिन को काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? ट्रिप्सिन करेगा। और ऐसे ही प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को भी कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट करने का काम भी ट्रिप्सिन खुद करेगा। अब ऐसा ऑप्शन देखना जिसमें ए को एंटेरोकाइनेज, बी को ट्रिप्सिन और सी को ट्रिप्सिन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ हो। पहला दिया है एंडोकाइनेज, एंडोकाइनेज नहीं बेटा एंटेरोकाइनेज होता है, इस वजह से पहला ऑप्शन भी नहीं होगा। सेकंड के अंदर ट्रिप्सिन ए जो है वो ट्रिप्सिन नहीं होगा, ए एंटेरोकाइनेज होगा। थर्ड ऑप्शन के अंदर बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसके अंदर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है एंटेरोकाइनेज, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रिप्सिन और सी को रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रिप्सिन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा थर्ड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर पहुंचा है फोर कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू इन किलो कैलोरी पर ग्राम रेस्पेक्टिवली इज। कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन के लिए ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जो है उससे रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन देखनी है। सबसे पहले अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट की ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो सबसे कम होती है और 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम जो है वो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू होगी कार्बोहाइड्रेट के लिए। उसके बाद में से अगर बात करें फैट की तो फैट की ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो सबसे हाईएस्ट होगी और कितनी होती है फैट के लिए होती है 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। ऐसे ही प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के लिए ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो होती है 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम। अब ऐसा ऑप्शन इस सीक्वेंस के अंदर आपको ऑप्शन देखना है जिसके अंदर पहले 4.1 किलो कैलोरी, उसके बाद में 9.45 किलो कैलोरी और लास्ट में दिया हुआ हो 5.65 किलो कैलोरी। 11 की बात करें तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जो है कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन को की वो होगी 4.1, 9.45 एंड 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर दिया हुआ है इंफॉर्मेशन द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज इज नॉन एज डायरिया। डायरेक्ट एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बेटा, एनसीईआरटी की लाइन है कि अगर बॉवेल की फ्रीक्वेंसी जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है जिसकी वजह से प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, फीकल की जो लिक्विडिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, तो इस डिसऑर्डर को इस कंडीशन को बोला जाता है डायरिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसका आंसर होगा सेकेंड। उसके बाद में आगे क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर दिया हुआ है 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन दी ब्लड। मैक्सिमम ऑक्सीजन की बात करें, 97% ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा किया जाता है? आरबीसीज के द्वारा करवाया जाता है। इसी वजह से ऐसा ऑप्शन देख लो, पहला डिसॉल्व्ड स्टेज थ्रू प्लाज्मा नहीं, इन फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन नहीं, इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट नहीं, बाई आरबीसीज। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा फोर्थ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ है क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वियुलर वॉल्व आर गेट डैमेज ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज्ड इज। एल्वियुलर वॉल जो है उनके डैमेज होने की वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाएगा और ऐसा बहुत लंबे टाइम के अंदर होता है तो जो क्रॉनिक डिसऑर्डर डेवलप होगा उसको बोला जाता है एम्फाइसेमा। इस वजह से एम्फाइसेमा से रिगार्डिंग ऑप्शन देख लो, यहां देखिए अस्थमा, अस्थमा भी नहीं होगा एम्फाइसेमा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो उसका आंसर होगा सेकंड। थोड़ा सा स्पेलिंग ठीक कर लेना अस्थमा की। आगे फाइब्रोसिस नहीं, फाइब्रोसिस भी नहीं होगा, सिलिकोसिस नहीं, ये भी कहीं ना कहीं जो कॉल इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर की कैटेगरी में इनको इंक्लूड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इसका आंसर होगा सेकंड।
ऐसे क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर पूछा है, रीड द लेबलिंग एंड चूज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट लेबलिंग से रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन देखनी है। पहला दिया हुआ है ए को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लॉटिस, बेटा ए ग्लॉटिस नहीं है, ये लिड लाइक फ्लैप लाइक जो स्ट्रक्चर होती है इसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं, तो ए ग्लॉटिस नहीं है, ग्लॉटिस तो ओपनिंग को बोलते हैं, ए क्या होगी, ए एपिग्लॉटिस है ना कि ग्लॉटिस, जबकि यहां ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है ग्लॉटिस। बी के लिए बोल रहा है ट्रेकिया, बिल्कुल सही बात है, बी ट्रेकिया होगा। सी की बात करें तो सी प्लूरल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सी प्लूरल मेम्ब्रेन है। और डी की बात करें तो डी एल्वियोलाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन भी सही है। क्वेश्चन के अंदर इनकरेक्ट पहुंचा है, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर दिया हुआ है रेस्पायरेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप, ब्रीथिंग, डिफ्यूजन ऑफ गैसियस गैसियस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, ये बात भी सही है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ये भी करेक्ट इंफॉर्मेशन है। एंड देन सेलुलर रेस्पायरेशन, ये भी करेक्ट इंफॉर्मेशन है। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर रेस्पायरेशन, सभी स्टेटमेंट जो है वो रेस्पायरेशन से रिगार्डिंग करेक्ट है, इसी वजह से टोटल स्टेटमेंट की बात करें तो 1, 2, 3 और 5 है, इसी वजह से इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा फोर्थ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर पूछा है, इन द गिवन डायग्राम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली लेबल्ड, करेक्टली लेबल्ड जो है वो कौन सा नहीं है, उससे रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन देखनी है। ए की बात करें तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा एल्वियोलर वॉल को, ऑप्शन के अंदर देखिए ए के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ है एल्वियोलर वॉल को, ये तो करेक्ट लेबल्ड है। ऐसे ही आगे बात करें डी से रिगार्डिंग, डी के लिए बोला गया है आरबीसी, कैपिलरीज के अंदर आरबीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है डी, ये बात भी सही है। बी की बात करें तो बी के लिए बोल रहा है ये अल्ट्री, बेटा बी जो है ये अल्ट्री नहीं है, कैपिलरी है, इसी वजह से बी की बात करें तो ये इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है। और क्वेश्चन ने पूछा है नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट की अगर बात करें तो बी की लेबलिंग ठीक नहीं है। सी के लिए बोला है बेसमेंट सबस्टेंस या बेसमेंट मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है, ये बेसमेंट सबस्टेंस होंगे, इसी वजह से यहां इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन के बतौर आपको आंसर करना है थर्ड। उसके बाद में 18 के अंदर पूछा है रिगार्डिंग दी फंक्शन ऑफ ओवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, मार्क दी करेक्ट वन, करेक्ट इंफॉर्मेशन देखनी है आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिगार्डिंग। आगे पहला ऑप्शन दिया हुआ है ह्यूमिडिफाई दी एयर, बिल्कुल सही है, एयर को ह्यूमिफाई करने का काम भी करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। वार्म अप दी एयर, बिल्कुल सही बात है, वार्म अप भी करेगा। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, बिल्कुल रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही फंक्शन होता है, सारे फंक्शन जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से है, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर पूछा है मैच द आइटम गिवन कॉलम फर्स्ट विथ दूज इन कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को आपको मैच करना है। सबसे पहले दिया हुआ है टाइडल वॉल्यूम, और टाइडल वॉल्यूम की बात करें तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, जो नॉर्मली अपन इनहेल करते हैं एयर को और वापस एक्सपेल आउट करते हैं, वो वॉल्यूम जो है 500 टू 550 ml के लगभग हो सकता है। तो ऐसा मैच टाइडल वॉल्यूम जो कॉलम फर्स्ट है उसको आप मैच कर दीजिए कॉलम सेकंड के थर्ड ऑप्शन के साथ। उसके बाद में दिया हुआ है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो आप फोर्सफुली कितना एयर इनहेल कर सकते हो उससे रिगार्डिंग अगर वॉल्यूम की बात करें तो वो 2500 टू 3000 ml के लगभग हो सकता है। तो बी को आप मैच कर दीजिए सेकंड से। उसके बाद में दिया हुआ है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो होगा 1000 टू 1100 ml के लगभग, और रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो रेजिडुअल वॉल्यूम होगा 1100 टू 1200 ml के लगभग। आप ऐसा ऑप्शन देख लीजिए जिसके अंदर ए के अंदर दिया हुआ हो थर्ड और बी के अंदर दिया हुआ हो फर्स्ट, बी के अंदर फर्स्ट और सी के अंदर दिया हुआ हो फोर और डी के अंदर दिया हुआ हो सेकेंड, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो इसका आंसर होगा बेटा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 20 के अंदर दिया हुआ है दी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन दी एल्वियोलाई ऑफ दी लंग्स इज लेस देन दैट इन दी ब्लड, नहीं एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ब्लड से ज्यादा होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट भी नहीं होगा। लेस देन दैट ऑफ CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल नहीं, CO2 से भी ज्यादा होता है। ऐसे ही इक्वल टू दैट इन ब्लड, नहीं ब्लड से ज्यादा होगा। आगे फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है मोर देन दैट इन दी ब्लड, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इसका आंसर होगा फोर्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 21 के अंदर पूछा है द वॉल ऑफ एल्वियोलाई इज, एल्वियोलाई की वॉल की बात करें तो बेटा थिक नहीं होती है, बहुत ही थिन होती है और साथ ही इररेगुलर होती है। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए जिसके अंदर वेरी थिन दे रखी हो और इररेगुलर दे रखी हो। फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, सेकेंड में वेरी थिक नहीं, थर्ड में वेरी थिक नहीं, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ वेरी थिन एंड इररेगुलर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 21 का आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की बात करें तो डायग्राम रिप्रेजेंट्स द एक्टिविटी, डायग्राम रिप्रेजेंट किया हुआ है और पूछा गया है कि किस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो देखिए इधर यहां डायफ्राम की बात करें तो डायफ्राम बेटा ये थोरेसिक कैविटी की तरफ कहीं ना कहीं मूव करता हुआ दिखाया हुआ है एरो से, यानी कि फ्लैट से वापस डूम शेप हो रहा है। और ऐसी कंडीशन की बात करें तो ऐसा कब होता है जब, यानी कि अब ये जब डूम शेप हो रहा है, थोरेसिक कैविटी की तरफ डायफ्राम शिफ्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होता है थोरेसिक कैविटी के अंदर इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर को वापस बाहर रिलीज आउट किया जाता है और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एक्सपायरेशन। ऐसे ही अगर रिब्स की बात करें तो रिब्स को भी कहीं ना कहीं देखिए डाउनवर्डली करते हुए दिखाया गया है और इसकी वजह से भी जो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम है लंग्स के अंदर वॉल्यूम जो है थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, तो उस कंडीशन में भी एयर जो है वापस बाहर एक्सपेल आउट की जाएगी, यानी कि प्रोसेस जो है एक्टिविटी जो है वो एक्सपायरेशन को शो करेगी। इसी वजह से ऐसा ऑप्शन देख लीजिए डायफ्राम प्लेट नहीं बेटा डूम शेप हो रहा है तो यह भी नहीं होगा। इंस्पायरेशन नहीं रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहां एक्सपायरेशन की प्रोसेस देखने को मिलेगी। इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, ए वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के बारे में पूछ रहा है और सबसे हाई कंसंट्रेशन की बात करें तो वो आरबीसी में प्रेजेंट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा फर्स्ट। अब आगे अगर सेकंड ऑप्शन के अंदर बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा में भी प्रेजेंट तो होता है लेकिन प्लाज्मा के अंदर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई नहीं होती है और क्वेश्चन के अंदर वेरी हाई कंसंट्रेशन पूछा है, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कपल वर सजेस्ट बाई डॉक्टर्स टू नॉट हैव मोर देन वन चाइल्ड, एक से ज्यादा चाइल्ड या एक से ज्यादा बर्थ नहीं हो उससे रिगार्डिंग सजेशन दिया गया है किसी कपल को डॉक्टर के द्वारा, और ऐसा किस कंडीशन में दिया जा सकता है। तो डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस से रिगार्डिंग, जो कि आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी का केस बनता है, तो उससे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को आप ऑब्जर्व करेंगे। तो पहला दिया हुआ है आरएच पॉजिटिव फीमेल, बेटा अगर आरएच पॉजिटिव फीमेल होगी तो उसे कंडीशन के अंदर तो आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी का केस बनता ही नहीं है। फीमेल क्या होनी चाहिए, आरएच नेगेटिव होना चाहिए, और साथ ही मेल की बात करें तो वो आरएच पॉजिटिव होना चाहिए, तो उस कंडीशन में आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी का केस बन सकता है। इसी वजह से ऐसा ऑप्शन देख लीजिए जिसके अंदर फीमेल आरएच नेगेटिव हो और मेल क्या हो आरएच पॉजिटिव हो, तो ऐसी इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन नंबर 24 के थर्ड ऑप्शन के अंदर जिसमें आरएच पॉजिटिव मेल एंड आरएच नेगेटिव फीमेल। तो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मेस्दी कोलम का क्वेश्चन है बेटा जिसके अंदर हार्ट से रिगार्डिंग और एनिमल्स जो है उनके अंदर हार्ट किस टाइप का होगा, किस टाइप का सर्कुलेशन होता है, उससे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है। वेल की बात करें तो वेल बेटा मैमल है और मैमल्स के अंदर हार्ट की बात करें तो वो कितने चैम्बर वाला होगा, फोर चैम्बर हार्ट होता है, और फोर चैम्बर हार्ट की बात करें तो उसके अंदर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन भी देखने को मिलेगा। तो अगर ए की बात करें तो उसको आपको मैच करना है किसके साथ, 5 और 6 वाली इंफॉर्मेशन के साथ। सेकंड नंबर पे एम्फीबिया, एम्फीबियंस की बात करें तो उनके अंदर 3 chambered हार्ट होता है और साथ ही सर्कुलेशन की बात करें तो 2 एट्रिया होंगे और 1 वेंट्रिकल, जिसकी वजह से कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं हो के वेंट्रिकल के अंदर आके ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्सअप हो जाता है, इसी वजह से उनके अंदर सर्कुलेशन कैसा होगा, इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। ऐसे ही पाइसेस की बात करें, फिशेस की बात करें तो उनके अंदर वीनस हार्ट होता है यानी कि 2 chambered हार्ट होगा और साथ ही अगर बात करें तो उन हार्ट के द्वारा ओनली और ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया जाता है, वही सर्कुलेट करता है और एक ही बार किसी भी ऑर्गन तक ब्लड पंप करने से पहले ब्लड केवल सिंगल टाइम सर्कुलेट करता
करता है हार्ट के अंदर, इसी वजह से उसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। अब आपको ऐसा ऑप्शन देखना है जिसके अंदर ए के लिए इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट की हुई हो 5 और 6 फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। बी की बात करें तो बी के लिए इंफॉर्मेशन सही रिप्रेजेंट की हुई हो सेकंड और फोर सेकंड ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। और थर्ड की बात करें तो सी के अंदर 1 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा सेकंड। उसके बाद में नेक्स्ट 26 की बात करें तो सिलेक्ट दी इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है, बोथ एंटीजन ए एंड बी आर प्रेजेंट इन ए बी ब्लड ग्रुप। सही बात है, ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर आरबीसी की सरफेस के ऊपर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। बोथ एंटीबॉडी ए एंड बी आर प्रेजेंट इन ओ ब्लड ग्रुप, बिल्कुल सही है। ओ ब्लड ग्रुप की बात करें कोई एंटीजन नहीं होता, इसी वजह से उसके अंदर दोनों टाइप की एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो सकती हैं। साथ ही अगर बात करें थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है एंटीबॉडी ए प्रेजेंट इन ब्लड ग्रुप ए, ए ब्लड ग्रुप के अंदर सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी बेटा कभी भी प्रेजेंट नहीं होती। और इनकरेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इस थर्ड ऑप्शन के अंदर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट इन ए ब्लड ग्रुप नहीं, ए ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी। फोर्थ ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है एंटीबॉडी ए प्रेजेंट इन ब्लड ग्रुप बी, सही बात है। इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो 27 में पूछा है सिलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट दी रिपोलराइजेशन, नहीं, QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है बेटा। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सेकंड में बोला है टी वेव रिप्रेजेंट्स दी रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, नहीं, एट्रिया के रिपोलराइजेशन को टी वेव रिप्रेजेंट नहीं करती है, सेकंड भी ठीक नहीं है। थर्ड ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है पी वेव रिप्रेजेंट्स दी डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, पी वेव की बात करें तो वो वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती, एट्रिया के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। फोर्थ ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है पी साउंड इज इंडिकेट दी पेशेंट्स goes to cardiac arrest. Correct information की बात करें तो fourth statement जो है बिल्कुल सही बोला गया है। ECG की बात करें तो उसके अंदर continuous जो sound होता है P का वो किसको indicate करता है कि patient जो है वो cardiac arrest उसको हो चुका है, इसी वजह से question number 27 की बात करें तो उसका answer होगा fourth. Next question number 28 की बात करें तो उसमें how many आर हेल्पफुल इन इंक्रीज्ड हार्ट बीट रेट, हार्ट बीट रेट को कौन इंक्रीज करेगा उससे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको देखनी है बेटा। फर्स्ट ऑप्शन जो है ए में दिया हुआ है सिंपेथेटिक न्यूरल सिस्टम, सिंपेथेटिक न्यूरल सिस्टम हार्ट बीट रेट को बढ़ाता है, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है। सेकेंड ऑप्शन में बी में बोल रहा है पैरासिंपेथेटिक न्यूरल सिस्टम, पैरासिंपेथेटिक न्यूरल सिस्टम हार्ट बीट रेट को डिक्रीज करने का काम करेगा। और उसके बाद में सी में दिया हुआ है एसिटाइल कॉलिन, एसिटाइल कॉलिन भी डिक्रीज करने का काम करेगा। वेगा नर्व स्टिमुलस जो है वो भी हार्ट बीट रेट को डिक्रीज करने का काम करेगा। ई के अंदर दिया हुआ है एड्रेनालिन हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन की बात करें तो ये भी हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करता है। फिर दिया हुआ है नॉर एड्रेनालिन, ये भी हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करवाएगा। और जी में दिया हुआ है थायरोक्सिन हार्मोन, तो डेफिनेटली थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये बेसल मेटाबॉलिक रेट हो या फिर हार्ट बीट रेट हो सबको इंक्रीज करने का काम करेगा। इसी वजह से क्वेश्चन के अंदर पूछा है इंक्रीज्ड हार्ट बीट से रिलेटेड जो ऑप्शन है उनसे रिगार्डिंग ए ई ओ एफ और जी, ओवरऑल जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उनमें से फोर जो ऑप्शन है उनके अंदर हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करने वाले हैं, इसी वजह से करेक्ट आंसर की बात करें तो 28 का आंसर होगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो इसके अंदर पूछा है हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस से रिगार्डिंग करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको देखनी है। ए के अंदर बोला हुआ है इट इज मोर कॉमन इन मिडिल एज्ड ग्रुप पर्सन, बिल्कुल मिडिल एज ग्रुप के लोगों के अंदर एंजाइना यूजुअली देखने को मिलता है, सही इंफॉर्मेशन है। नो एनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू दी हार्ट मसल्स, बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन है। ऐसे ही थर्ड के अंदर पूछा है अक्यूट चेस्ट पेन, डेफिनेटली अक्यूट चेस्ट पेन भी देखने को मिलेगा। डी के अंदर बोला है इन एंजाइना दी हार्ट स्टॉप बीटिंग, नहीं, ये करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, एंजाइना में ऐसा नहीं होता। इट इज ऑल्सो नोन एज हार्ट अटैक, नहीं, ये भी नहीं होगा। ए बी और सी की बात करें तो ये करेक्ट इंफॉर्मेशन
डिसीजन है, इसी वजह से तीन स्टेटमेंट ठीक है। 29 की बात करें तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो 30 में पूछा है लैक्टियल्स आर प्रेजेंट। लैक्टियल्स की बात करें तो इंटेस्टाइनल जो विलाई होती हैं उनके अंदर लैक्टियल्स प्रेजेंट होती हैं, फैट के अब्सॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आंसर आ जाएगा सेकंड, विलाई ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर। माइक्रो विलाई ऑफ इंटेस्टाइन नहीं, विलाई ऑफ इंटेस्टाइन आएगा। म्यूकोजा ऑफ स्टमक भी नहीं, सब म्यूकोजा ऑफ स्टमक भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो इसका आंसर होगा थर्ड। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट एंड इट्स कंडक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय। ऐसे नोड की बात करें तो मैक्सिमम कार्डियक इंपल्स जनरेट किया जाता है, उसके बाद में एवी नोड, एवी नोड के बाद में बंडल ऑफ हिज, उसके बाद में पुर्किंजिस फाइबर के थ्रू कहीं ना कहीं हार्ट की मसल्स होती हैं उन तक सप्लाई होता है। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, सबसे पहले ऐसे नोड, उसके बाद में एवी नोड। तो यहां सेकंड ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है पहले ऐसे नोड, उसके बाद में एवी नोड, ऐसे ही थर्ड में नहीं, फोर्थ की बात करें तो फोर्थ के अंदर एवी नोड, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर करेक्ट सीक्वेंस दी हुई है, ऐसे नोड, उसके बाद में एवी नोड, उसके बाद में बंडल ऑफ हिज, देन पुर्किंजिस फाइबर। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा सेकंड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो 32 के अंदर पूछा है सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट देखना आपको, इंटर एट्रियल सेप्टम इज थिक मस्कुलर वॉल, थिक नहीं थिन मस्कुलर होता है। ऐसे ही इन फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो ये इनकरेक्ट है। सेकंड में पूछा है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज थिन फाइब्रस, थिन नहीं, इंटरवेंट्रिकुलर की बात करें तो ये थिक होता है, ये भी ठीक नहीं है। ऐसे ही बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व आर कंबाइनली नॉन एज एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, एवी वाल्व, बिल्कुल सही बात है। बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व की बात करें तो उनको और एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व भी बोलते हैं, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल जो होते हैं उनकी को जो सेपरेट करने वाला सेप्टा होता है, एवी सेप्टा जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से एवी वाल्व भी बोलेंगे। एवी नोड इज ए पेसमेकर, पेसमेकर ऐसे नोड को बोलते हैं, एवी नोड को पेस सेटर बोलते हैं, इसी वजह से 32 की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर बोला है कंजेशन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स इन ए हार्ट फेलियर। एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट है, लंग कंजेशन की बात करें तो ये मेन सिम्टम होता है हार्ट फेलियर। लंग कंजेशन की वजह से हार्ट फेलियर की कंडीशन डेवलप होती है, एंजाइना वाला भी नहीं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं, एथेरोस्क्लेरोसिस भी नहीं, हार्ट फेलियर की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो सेलेक्ट करेक्ट वन, करेक्ट मैचिंग आपको देखनी, ये तीन कॉलम दिए हुए हैं, तीनों कॉलम के अंदर जो भी करेक्ट सूटेबल इंफॉर्मेशन है उनको मैच करते हुए आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो तलाशना है। सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स के लिए बेटा आपको पता है ये मोस्ट न्यूमेरस ल्यूकोसाइट्स होती हैं और साथ ही फेगोसाइटिक नेचर की होती हैं। तो डेफिनेटली फेगोसाइटिक नेचर की बात करें तो कॉलम सेकंड के अंदर फेगोसाइटिक नेचर फर्स्ट एंड थर्ड में दिया हुआ है। ऐसे ही कॉलम थर्ड के अंदर आगे इनके नंबर से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है तो मोस्ट न्यूमेरस 60-65% ऑफ WBCs जो है वो कौन होंगे, न्यूट्रोफिल। तो अब उससे रिगार्डिंग आप ऑप्शन देख लो जिसके अंदर P को D से डिनोट किया हुआ हो और फर्स्ट और थर्ड में से कोई ऑप्शन दिया हुआ हो, P को फर्स्ट आगे E, नहीं ये भी नहीं होगा, फर्स्ट की बात करें और B, B भी नहीं होगा, ऐसे ही P की बात करें थर्ड एंड E, थर्ड एंड ई, ई भी नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है पी को थर्ड के साथ मैच किया हुआ है और साथ ही आगे दिया हुआ है डी, बिल्कुल ये मैचिंग होगी। फोर्थ आंसर के अकॉर्डिंग देखना, पी की बात करें न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटिक नेचर की सेल्स होती हैं और मोस्ट न्यूमेरस भी होंगे। उसके बाद में इओसिनोफिल्स की बात करें तो इओसिनोफिल्स जो है या एसिडोफिल्स बेटा एलर्जिक जो रिएक्शन होती हैं उस टाइम में स्टिमुलेट होती हैं, क्यू को आपको मैच करना है किसके साथ, फूर के साथ। और साथ ही अगर बात करें तो कितना परसेंट ये पार्ट आती हैं तो 2-3% ऑफ पार्ट जो है वो डब्ल्यूबीसी का देखने को मिलेगा, इसी वजह से क्यों को 4 और बी के साथ वाली मैचिंग देख लो, क्यों को 4 और बी के साथ मैच किया हुआ है। ऐसे ही आर की बात करें तो आर लिम्फोसाइट्स जो है वो किसका काम करेंगी, लिम्फोसाइट्स जो है एंटीबॉडीज प्रोडक्शन यानी कि इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगी और साथ ही लिम्फोसाइट्स जो है ये कितना परसेंट पार्ट बनाएंगी, तो डेफिनेटली ये 20-25% जो है डब्ल्यूबीसी का पार्ट देखने को मिलेंगी। तो आर
को आपको मैच करना है 5 के साथ और A के साथ, ऐसा ऑप्शन देख लो। ऐसे S की बात करें, मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स की बात करें तो मोनोसाइट्स को आपको मैच करना है, फेगोसाइटिक नेचर की सेल्स होती हैं मोनोसाइट्स भी, और साथ ही अगर बात करें तो 6 to 8% पार्ट बनाती हैं ये WBC का। ये मैचिंग देख लो, S को आपको मैच करना है 1 के साथ और E के साथ। ऐसे ही T की बात करें, बेसोफिल्स, तो बेसोफिल्स जो है इंफ्लेमेटरी रिएक्शन जो है उसके अंदर ये स्टिमुलेट होती हैं, और साथ ही अगर बात करें तो सबसे कम 0.5 to 1% की लगभग WBC का पार्ट बनाती हैं। तो इस मैचिंग के अकॉर्डिंग अगर आंसर की बात करें तो आपका आंसर होगा फोर्थ वाला, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल वेन प्रेजेंट इन ह्यूमन। ह्यूमन की बात करें तो पोर्टल वेन के बतौर पोर्टल सिस्टम की बात करें तो अपने अंदर हिपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है, और साथ ही अपना हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और साथ ही हार्ट के बीच की बात करें तो वहां हाइपोथैलेमो, हाइपोफाइजियल या हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली रीनल पोर्टल सिस्टम एमल्स के अंदर एबसेंट होता है, इसी वजह से जब दो ही पोर्टल सिस्टम होंगे तो डेफिनेटली दो ही पोर्टल वेन होंगी, इसी वजह से हिपेटिक पोर्टल वेन बिल्कुल ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होती है, और फाइजियल पोर्टल सिस्टम की बात करें जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को की बात करें, एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ जो कनेक्शन जैसे वेन के थ्रू देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमो, हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन, रीनल पोर्टल वेन बिल्कुल नहीं होगी। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर दिया हुआ है, सिलेक्ट दी इनकरेक्ट वन, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन से रिगार्डिंग आपको ऑप्शन देखना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ब्लड, ब्लड के लिए बोला है प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है लिम्फ के लिए प्लाज्मा प्लस ल्यूकोसाइट्स, ये बात भी सही है। सीरम की बात करें तो प्लाज्मा माइनस फाइब्रोनोजन प्रोटीन्स की बात करें या क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह की, डेफिनेटली ये बात भी सही है। फोर्थ में दिया हुआ है बेसोफिल्स इज फेगोसाइटिक नेचर, ये इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है। न्यूट्रोफिल्स की बात करें या मोनोसाइट्स की बात करें तो वो फेगोसाइटिक नेचर की होती हैं, यहां बेसोफिल्स जो हैं ये फेगोसाइटिक नेचर नहीं, इस वजह से इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो इसके अंदर दिया गया है द लव एंड डब हार्ट साउंड आर ड्यू टू, लव और डब हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होंगे, क्लोजिंग ऑफ सेमिलूनर वाल, नहीं लब की बात करें तो एवी वाल के क्लोजिंग की वजह से, और डब की बात करें तो सेमिलूनर वाल की क्लोजिंग की वजह से, ऐसा ऑप्शन आपको देखना, और ऐसा ऑप्शन है थर्ड वाला। लब की बात करें तो क्लोजिंग ऑफ एवी वाल, एंड डब की बात करें तो सेमिलूनर वाल जो है उनकी क्लोजिंग की वजह से साउंड प्रोड्यूस होंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड हार्ट साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर पूछा है, हाउ मेनी डबल सर्कुलेशन आर नॉर्मली कंप्लीटेड बाई दी ह्यूमन हार्ट इन 1 मिनट। 1 मिनट की बात करें तो एक मिनट के अंदर बेटा 60 सेकेंड्स होंगे, और 1 मिनट के अंदर एवरेज हार्ट बीट की बात करें तो 72 बीट्स होंगी, और 72 बीट्स की बात करें तो हर एक बीट के अंदर एक कार्डियक साइकिल होगा, और ईच कार्डियक साइकिल की बात करें तो उसके अंदर दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल्स जो होती हैं उनके द्वारा ब्लड सर्कुलेट होता है, और दोनों वेंट्रिकल के द्वारा ब्लड को पंप किया जाएगा। तो डेफिनेटली 1 मिनट में जब 72 बीट कर रहे हैं तो 72 ही क्या होंगे, डबल सर्कुलेशन भी देखने को मिलेंगे, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो इसका आंसर होगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो 39 में दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट है, इन न्यूरॉन एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन जस्ट आफ्टर डिपोलराइजेशन द डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम आउटसाइड रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्टोरेशन ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बिल्कुल सही बात है, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स में आपने पढ़ा होगा कि डीपोलराइजेशन होता है, जब न्यूरॉन एक्साइट होता है तो उसके एक्साइटेशन के बाद में जैसे एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है तो न्यूरॉन वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को गेन करता है, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को गेन करने के पीछे रीजन की बात करें तो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और उसके ओपनिंग की वजह से ही पोटेशियम आयन्स जो है वो डिफ्यूज हो जाते हैं किधर वाली साइड में, आउटसाइड में, और आउटसाइड में डिफ्यूज होने की वजह से ही एक्सोलेमा के अंदर वाली साइड में जो पॉजिटिव पोटेंशियल था, पॉजिटिव जो चार्ज ज्यादा था वो कहीं ना कहीं कम होता है और वो वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को गेन करने का काम करता है, इसी वजह से स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट इंफॉर्मेशन है। ऐसे ही अगर बात करें स्टेटमेंट सेकंड की, इन गैंग्लियोनिक सेल्स ऑफ रेटिना द एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय
सिग्नल बाई ए सिग्नल दैट डायरेक्टली कम फ्रॉम रॉड्स एंड कॉन्स। आई से रिगार्डिंग बेटा ये इंफॉर्मेशन यहां दी हुई है, और आई की बात करें तो आपने वहां रेटिना के अंदर फोर लेयर्स पड़ी होंगी, और उन फोर लेयर्स की बात करें तो रॉड एंड कॉन सेल्स की बात करें तो वो डायरेक्ट गैंग्लियोनिक सेल्स जो है उनके साथ कनेक्टेड नहीं होती हैं, पहले बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, और वो बाइपोलर न्यूरॉन्स की बात करें तो वो आगे चल के और गैंग्लियोनिक लेयर की फॉर्म में बाइपोलर न्यूरॉन्स जो है वो आगे चल के मिलकर क्या बनाते हैं, उनके साइटोन्स जो है वो कलेक्ट होकर गैंग्लियोनिक लेयर बनाते हैं। इसी वजह से एक्चुअली अगर बात करें तो ये रॉड्स एंड कॉन सेल्स जो हैं गैंग्लियोनिक लेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते। स्टेटमेंट सेकंड की बात करें तो ये इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। आगे दिया हुआ थर्ड स्टेटमेंट और दिया हुआ है, दी मेम्ब्रेनस कैनाल ऑफ वेस्टिबुलर एपरेटस सस्पेंडेड इन दी पेरिलिम्फ ऑफ बोनी कैनाल्स। ये एक स्टेटमेंट की बात करें तो वही रिसेप्टर और ईयर वाले पोर्शन से दिया हुआ है, और ईयर के अंदर भी इंटरनल ईयर से रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, जिसके अंदर आपने इंटरनल ईयर के अंदर दो पार्ट पड़े होंगे, एक बोनी लेबिरिंथ और दूसरा मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। बोनी लेबिरिंथ की बात करें तो उसके अंदर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ प्रेजेंट होता है, और वो सस्पेंडेड रहता है किसके अंदर, पेरिलिम्फ के अंदर, उसके चारों तरफ पेरिलिम्फ प्रेजेंट होता है। तो डेफिनेटली स्टेटमेंट थर्ड की बात करें तो करेक्ट इंफॉर्मेशन है। अब ऐसा ऑप्शन देखिए जिसके अंदर स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड से रिगार्डिंग करेक्ट इंफॉर्मेशन हो और सेकंड के लिए इनकरेक्ट बोला हो। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, नहीं गलत हो गया, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो इसका आंसर होगा सेकंड वाला, जबकि थर्ड स्टेटमेंट थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, नहीं सेकंड तो इनकरेक्ट है, फोर्थ में दिया हुआ स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट एंड फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, नहीं फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है। 39 का आंसर होगा बेटा सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो 40 के अंदर दिया हुआ है मैच द कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां रोडोप्सिन की बात करें तो बेटा ये रोडोप्सिन जो है पर्पल इस रेड कलर का होगा, ऐसे ही लेंस की बात करें तो लेंस ट्रांसपेरेंट प्रोटीन का बना हुआ ये पार्ट होता है, ऐसे ही मैकुला ल्यूटिया की बात करें तो येलोइश कलर का होगा। ऐसी मैचिंग देख लीजिए जिसमें ए में थर्ड दिया हुआ हो और बी के अंदर दिया हुआ हो सेकंड, ए में थर्ड बी में सेकंड और सी के अंदर दिया हुआ हो वन। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की बात करें तो 41 के अंदर दिया हुआ है इन एन इलेक्ट्रिकल स्नैप्स इंपल्स ट्रांसमिशन इज ऑलवेज फास्टर देन दैट अक्रॉस ए केमिकल स्नैप्स, बिल्कुल सही बात है। 41 के अंदर असर्शन दिया हुआ है, ए जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिकल स्नैप्स की बात करें तो उनके अंदर सिनेप्टिक डिले जो है वो नहीं देखने को मिलेगा, विदाउट किसी इंटरप्शन के और विदाउट किसी रुकावट के जो एक न्यूरोन है उससे दूसरे नेक्स्ट न्यूरोन के अंदर नर्व इंपल्स ट्रांसमिट हो जाता है, इसी वजह से फास्टर होता है, जबकि केमिकल सिनेप्स में सिनेप्टिक डिले होता है, सिनेप्स बनता है और वहां न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होके और फिर कहीं ना कहीं नेक्स्ट न्यूरॉन को डीपोलराइज या रीपोलराइज करते हुए नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर इंपल्स ट्रांसमिट होता है, इसी वजह से इलेक्ट्रिकल स्नैप्स की बात करें तो उनमें ट्रांसमिशन फास्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड में दिया हुआ है इन एन इलेक्ट्रिकल स्नैप सिनेप्टिक डिले प्रेजेंट विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ इंपल्स ट्रांसमिशन, जस्ट ऑपोजिट कर दिया भाई, इलेक्ट्रिकल स्नैप्स की बात करें तो उसमें सिनेप्टिक डिले प्रेजेंट नहीं एबसेंट होता है, रीजन की बात करें तो इनकरेक्ट होगा। ऐसा ऑप्शन देखिए जिसके अंदर ए ट्रू हो और आर क्या हो फॉल्स हो, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर पूछा है देयर आर थ्री स्केलास इन कोक्लिया, द स्केला हैज स्टीरियोसिलेटेड फिल्ड विथ विच टाइप ऑफ सबस्टेंस। डेफिनेटली आपने कोक्लिया की बात करें तो उसी कोक्लिया का ऐसा ट्रांसवर्स सेक्शन आपने ऑब्जर्व किया होगा, और उस ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर ओवरऑल आपने ऐसे तीन स्केला देखे होंगे जिसके अंदर स्केला मीडिया की बात करें तो उसके अंदर स्टीरियोसिलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं या हेयर सेल या सेंसरी सेल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं। तो स्केला मीडिया की बात करें तो इसके अंदर हेयर सेल्स प्रेजेंट होंगी, और स्केला मीडिया की बात करें तो स्केला मीडिया के अंदर बेटा एंडोलिम्फ भरा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो उसका आंसर आ जाएगा सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43, रिकॉग्निशन ऑफ रेटिनल इमेज एंड एनालिसिस ऑफ न्यूरल इंपल्सिस इन विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन आर बेस्ड ऑन अर्लियर मेमोरी ओनली. नहीं, अर्लियर मेमोरी के साथ साथ एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है. एक्सपीरियंस ओनली नहीं, बोथ अर्लियर मेमोरी एंड एक्सपीरियंस. क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो उसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला. आगे दिया हुआ इंडिपेंडेंट ऑन मेमोरी एंड एक्सपीरियंस. नहीं, ऐसा भी नहीं है. पहले मेमोरी भी होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. पहले कभी ना कभी उस इमेज से रिलेटेड कहीं ना कहीं अपने पास कोई मेमोरी होगी, एक्सपीरियंस होगा, तभी नेक्स्ट टाइम जब भी अपनी आंखों के सामने वो इमेज या फिर इंफॉर्मेशन आती है तो उसको अपन आइडेंटिफाई कर पाते हैं. विजुअल कॉर्टेक्स एरिया जो होता है ब्रेन का, उसके अंदर प्रोसेसिंग हो पाएगी. क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा थर्ड. क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर पूछा है द न्यूरॉन्स ऑफ एपिथेलियम एक्सटेंडेड फ्रॉम द आउटसाइड द एनवायरमेंट डायरेक्टली इनटू ए पेयर ऑफ ब्रॉड बीन साइज्ड ऑर्गन विच आर एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन्स लिम्बिक सिस्टम. दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी लोब और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट से रिगार्डिंग अगर बात करें तो ऑल्फैक्टरी लोब की जो न्यूरॉन्स होते हैं बेटा अपने नेजल एपिथेलियम जो होता है उस नेजल एपिथेलियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं और साथ ही डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होते हैं नेजल चैम्बर के अंदर. तो डेफिनेटली यहां पे ऑल्फैक्टरी लोब जो है ऑल्फैक्टरी बल्ब वाला जो पोर्शन होता है उससे रिगार्डिंग बात की जा रही है. और डेफिनेटली ऑल्फैक्टरी लोब जो है या ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है वो और साथ किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, जो लिम्बिक सिस्टम जो होता है ब्रेन का उसके साथ भी एसोसिएटेड होते हैं. क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो उसका आंसर होगा फर्स्ट. आगे ली सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है गस्टोस्टेटरी रिसेप्टर. नहीं, ये टेस्ट से रिलेटेड होते हैं. फोटोरिसेप्टर नहीं, ये लाइट से रिलेटेड है. ऑप्टिक क्याज्मा की बात करें तो ये क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर होती है जहां दोनों ऑप्टिक नर्व जो है एक दूसरे को क्रॉस करती है. इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो इसका आंसर होगा फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो इसके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है. इन रिफ्लेक्स एक्शन द इफरेंट न्यूरॉन या एक्साइटर एंड इफेक्टर कैरीज सिग्नल फ्रॉम. इफरेंट न्यूरॉन की बात करें तो ये कहां से कहां सिग्नल्स को कैरी करवाएगा. इफ की बात करें तो इसका मतलब होता है बेटा अवे. इफरेंट का मतलब होता है कैरी करवाना. CNS से अवे जो सिग्नल्स को कैरी करवाते हैं उन न्यूरॉन को बोलते हैं इफरेंट न्यूरॉन या फिर मोटर न्यूरॉन. तो डेफिनेटली ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें CNS से और जो इफेक्टर ऑर्गन्स होता है उसके पास सिग्नल्स को कैरी करवा रहा हो. पहले में दिया हुआ है सेंसरी ऑर्गन्स वाया डॉर्सल नर्व रूट ऑफ स्पाइनल नर्व एंड CNS, ये तो हो गए नहीं. सेकेंड में दिया हुआ है CNS से डोर्सल नर्व रूट ऑफ स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड की. बेटा डोर्सल नर्व रूट की बात करें तो डोर्सल जो रूट होती है वो सेंसरी नेचर की होती है, इस वजह से ये भी बिल्कुल ठीक नहीं होगा. और साथ ही थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है CNS वेंट्रल नर्व रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और साथ ही अगर बात करें इफेक्टर ऑर्गन्स. बिल्कुल सही बात है, CNS से वेंट्रल नर्व जो रूट होती है उसकी बात करें तो वो मोटर नेचर की होती है, फ्रंट नेचर की होती है और साथ ही इफेक्टर ऑर्गन तक जो सिग्नल्स होती है उनको कैरी करवाने का काम जो है इफरेंट न्यूरॉन के द्वारा ही किया जाएगा. इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो इसका आंसर होगा थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 46 के अंदर इन ब्रेन थैलेमस विच इज ए मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग इज रैप्ड बाई डायनसेफेलोन वाला पार्ट आपने पढ़ा होगा बेटा. डायनसेफेलोन की बात करें तो उसका ऊपर वाला रूफ वाला पार्ट जो है एपिथेलेमस वॉल वाला और मैक्सिमम जो सबसे लार्ज पोर्शन जो मेन पोर्शन बनाता है उसको बोलते हैं थैलेमस और नीचे वाला जो फ्लोर बनाता है डायनसेफेलोन का उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस. अब अगर इस थैलेमस की बात करें तो ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर बोला जाता है इसको सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग के लिए. और इस थैलेमस की बात करें तो थैलेमस वाला पार्ट जो इसको रैप किया जाता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं उसके द्वारा. अब उससे रिगार्डिंग यह इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है किसके द्वारा रैप किया जाएगा तो सेरेब्रम और सेरेब्रम के अंदर भी सेरेब्रल हेमिस्फीयर. पहला ऑप्शन दिया हुआ है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. नहीं, मिड ब्रेन का पार्ट होता है ये तो बेटा. ऐसे ही सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है पॉन्स एंड सेरेबेलम. नहीं, ये हाइंड ब्रेन के पार्ट है. ऐसे ही हाइपोथैलेमस. नहीं, हाइपोथैलेमस रैप नहीं करता है, ये तो फ्लोर बनाता है. और साथ ही अगर बात करें फोर्थ ऑप्शन में सेरेब्रम, तो सेरेब्रम की बात करें तो सेरेब्रम डिवाइडेड रहता है दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जो कि कहीं ना कहीं रैप करता है थैलेमस वाले पार्ट को. इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो इसका आंसर होगा फोर्थ.
नेक्स्ट क्वेश्चन 47 के अंदर, इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ ह्यूमन बींग यूजुअली फाउंड विच टाइप ऑफ न्यूरॉन। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर न्यूरॉन्स की बात करें तो बेटा यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो इसका आंसर होगा सेकंड। एपोलर न्यूरॉन्स की बात करें तो नहीं, ऐसे ही मल्टीपोलर न्यूरॉन्स सेरेब्रल पार्ट ऑफ ब्रेन के अंदर, बाइपोलर न्यूरॉन्स नहीं, ये रेटिना ऑफ आई के अंदर प्रेजेंट होगा, तो यहां आंसर आ जाएगा आपका 47 का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स ड्यू टू, न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल्स क्यों है, तो डेफिनेटली आपने सोडियम पोटेशियम पंप जो है उससे रिलेटेड फंक्शन पढ़े होंगे कि वो एक्टिवली वर्क करता है, और एक्टिवली वर्क करने के साथ साथ ही अगर बात करें तो वो सोडियम की कंसंट्रेशन को न्यूरॉन की एक्सोलेमा के बाहर ज्यादा मेंटेन रखता है और पोटेशियम की कंसंट्रेशन को अंदर, और साथ ही पॉजिटिव चार्ज के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोलैरिटी देखने को मिलती है, यानी कि यहां ऑप्शन से रिगार्डिंग बात करें तो प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन नहीं, ये भी नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है, आयंस का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देखने को मिलता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। 48 का आंसर होगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, फंक्शनल सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन्स इज ड्यू टू, सेम टाइम अपनी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम अपना अपना फंक्शन बेखूबी निभा रहे होते हैं, इनके कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, कौन इनको कोऑर्डिनेट करता है, तो डेफिनेटली अपना न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि इंटीग्रेटिव सिस्टम की बात करें तो वो जॉइंटली मिलकर ऐसा फंक्शन या और ऐसी एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करवाते हैं, इसी वजह से पहला ऑप्शन दिया हुआ है जॉइंट कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, डेफिनेटली आंसर 49 का होगा फर्स्ट। सेकंड में दिया हुआ है सेग्रीगेट कोऑर्डिनेशन नहीं, ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन नहीं, पॉइंट टू पॉइंट क्विक कोऑर्डिनेशन ओनली नहीं, पॉइंट टू पॉइंट और वो भी क्विक कोऑर्डिनेशन न्यूरल सिस्टम तो प्रोवाइड करवा सकता है लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम नहीं, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 की बात करें, विच वन इज इनकरेक्ट ड्यूरिंग रेस्टोरेशन ऑफ द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन जस्ट आफ्टर जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आपको देखनी है ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि रिपोलराइजेशन की कंडीशन से रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन देखनी है। राइज इन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी टू पोटेशियम, बिल्कुल सही बात है, पोटेशियम की परमिएबिलिटी ज्यादा होगी, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल के थ्रू पोटेशियम को बाहर ज्यादा पंप किया जाएगा, सही बात है। रिवर्स द स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, ये बात भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है एन ए प्लस डिफ्यूज आउटसाइड द मेम्ब्रेन इनएक्टिवली, नहीं ये इंफॉर्मेशन गलत है, Na+ की बात करें तो वो डिफ्यूज तो होंगे कहीं ना कहीं बाद में जाके डिफ्यूज होते हैं मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड में, लेकिन वो भी सोडियम पोटेशियम पंप की बात करें तो उसके द्वारा, और वो एक्टिवली वर्क करता है, इनएक्टिवली वर्क नहीं करता। इन करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो इसका आंसर होगा थर्ड। आगे फोर्थ में दिया हुआ है पोटेशियम डिफ्यूज आउटसाइड द मेम्ब्रेन, ये बात भी सही है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो इसका आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो इसमें बेटा पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द ऑप्शन ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट जो स्टेटमेंट है उनको कंसीडर करते हुए करेक्ट ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ए में दिया है इन द एक्सोप्लाज्म ऑफ रेस्टिंग स्टेज ऑफ न्यूरॉन कंटेंस लू कंसंट्रेशन ऑफ Na+, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम प्लस एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो एक्सोप्लाज्म के अंदर रेस्टिंग की कंडीशन की अगर बात करें तो उसमें लो कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा Na+ का, क्यों, सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एक्टिवली वर्क करता है और सोडियम का कंसंट्रेशन बाहर मेंटेन करता है, जबकि पोटेशियम का कंसंट्रेशन जो है वो एक्सोप्लाज्म के अंदर ज्यादा होता है। यहां तक तो सही है, लेकिन एक्सोप्लाज्म के अंदर ही नेगेटिवली चार्ज जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन की बात करें तो उनकी लो कंसंट्रेशन नहीं होती है, एक्सोप्लाज्म के अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स जो होते हैं उनका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो स्टेटमेंट ए की बात करें तो स्टेटमेंट ए ठीक नहीं है। बी की बात करें सेरेब्रल एक्विडक्ट प्रेजेंट बिटवीन थैलेमस एंड पॉन्स, अगर आपने ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो डायनसेफेलॉन और साथ ही अगर बात करें मिड ब्रेन वाले पोर्शन की तो मिड ब्रेन वाले पोर्शन के अंदर सेरेब्रल एक्विडक्ट या एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस प्रेजेंट होती है, और डायनसेफेलॉन का जो थैलेमस वाला पार्ट होता है या वेंट्रिकल ऑफ डायनसेफेलॉन या डायोसील जो है वो हाइंड ब्रेन के पॉन्स वाले पार्ट के साथ किसके थ्रू कनेक्टेड होती है, इस सेरेब्रल एक्विडक्ट के थ्रू कनेक्टेड होती है। तो कहीं
ना कहीं ये बी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। कहां प्रेजेंट होती है? सेरेब्रल एक्विडक्ट बिटवीन थैलेमस एंड पॉन्स। पॉन्स वेरुलाई की बात करें तो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, और थैलेमस की बात करें तो ये डायनसेफेलॉन का पार्ट है। इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो डक्ट होगी उसको बोलेंगे सेरेब्रल एक्विडक्ट। बी स्टेटमेंट करेक्ट है। सी की बात करें, कंजेक्टिवा कॉर्निया प्यूपिल आयरिस एंड लेंस आर ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई। सभी ट्रांसपेरेंट पार्ट नहीं है यहाँ पे। सी स्टेटमेंट की बात करें तो ये करेक्ट नहीं है। ऐसे ही दी ईयर ऑसिकल इंक्रीज दी एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स टू दी इनर ईयर। बिल्कुल करेक्ट बात है। मिडिल ईयर के अंदर ईयर ऑसिकल्स जो प्रेजेंट होती हैं वो साउंड वेव्स होती हैं, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का काम करती हैं। इसी वजह से स्टेटमेंट डी जो है वो भी करेक्ट है। अब ए और सी इनकरेक्ट है और बी और डी करेक्ट है। अपने को करेक्ट स्टेटमेंट वाला ऑप्शन देखना है। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आ जाएगा सेकेंड। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 52 के अंदर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम की बात करें तो आपने ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और सेरेब्रल हेमिस्फीयर के साथ ही अगर बात करें तो डायनसेफेलॉन वाला पार्ट, डायनसेफेलॉन के बाद में मिड ब्रेन वाला पार्ट, मिड ब्रेन के बाद में ये पॉन्स, और पॉन्स के साथ साथ यहां ये सेरेबेलम वाला पार्ट, और उसके बाद में ये मेडुला ऑब्लॉगेटा और देन ये स्पाइनल कॉर्ड। अब इस ब्रेन स्टेम की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन सा पार्ट जो है उसको कंसीडर करेंगे, तो पॉन्स जो है उसको भी कंसीडर करते हैं, मेडुला ऑब्लॉगेटा की बात करें तो मेडुला ऑब्लॉगेटा जो है वो भी कंसीडर करेंगे, और साथ ही मिड ब्रेन वाला पार्ट। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन डायनसेफेलॉन वाला पार्ट जो है वो किसका पार्ट नहीं है? ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं होता। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो पॉन्स भी ब्रेन स्टेम होगा का पार्ट है, मेडुला भी और मिड ब्रेन भी, लेकिन डायनसेफेलॉन नहीं है। 52 का आंसर होगा थर्ड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो इसमें पूछा है इनर फाइबर ट्रैक्ट कॉल्ड अक्स कनेक्ट लेफ्ट एंड राइट वाई एंड वाई स्ट्रक्चर आर लॉन्गिट्यूडिनली सेपरेट बाई जेड इन दिस अक्स कॉर्पस कैलोसम देन जेड इज। अक्स के लिए बोल रहा है, एक माइलिनेटेड नर्व फाइबर का ट्रैक्ट आपने पढ़ा होगा, कॉर्पस कैलोसम जो है वो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने का काम करता है। राइट और लेफ्ट दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर की बात करें तो उनको कनेक्ट कौन कर रहा है? कॉर्पस कैलोसम कर रहा है। अब इस कॉर्पस कैलोसम की बात करें तो वो कनेक्ट किसको कर रहा है? वाई को। वाई की बात करें तो वाई क्या होगा? सेरेब्रल हेमिस्फीयर होगा। और दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर की बात करें तो इनके लिए बोल रहा है वाई स्ट्रक्चर आर लॉन्गिट्यूडिनली सेपरेटेड बाई जेड। अगर दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर की बात करें तो ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर अगर डॉर्सली अपन इनको ऑब्जर्व करेंगे तो इनके एकदम सेंटर में एक डीप फिशर ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जिसको मीडियन फिशर या लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव बोलते हैं। तो ये वाली जो प्रेजेंट होगी इसको बोलेंगे डीप क्लेफ्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर वाई को बोलेंगे, लिम्बिक लॉब नहीं, डीप क्लेफ्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, द डॉर्सल पोर्शन ऑफ मिडब्रेन कंसिस्ट मेनली फोर राउंड स्वेवलिंग कॉर्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अगर मिड ब्रेन की बात करें तो इस मिड ब्रेन वाले पोर्शन में आपने पढ़ा होगा डॉर्सल सरफेस के ऊपर ऐसे चार लोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, जिनको और सिंपली है कोलिकुलाई बोल सकते हैं, और जिनका नंबर जो है 4 होगा, दो ऊपर वाली साइड में होंगे और दो नीचे वाली साइड में। तो डॉर्सल सरफेस पे चार ऐसे लॉब लाइक जो स्ट्रक्चर, राउंड राउंड स्ट्रक्चर जो देखने को मिलती हैं, स्वेवलिंग देखने को मिलती है, नंबर इनका 4 होता है, क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसी वजह से इनको बोला जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा का मतलब क्लस्टर लाइक, क्वाड्री का मतलब इनका नंबर 4 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो इसका आंसर भी होगा थर्ड। सेरेब्रल एक्विडक्ट भी नहीं होती, लॉब भी नहीं, पिनियल लॉब भी नहीं, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर होगा थर्ड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, इन ह्यूमन दे थ्री टाइप ऑफ कॉर्न्स आर स्टिमुलेटेड इक्वली। जब तीनों टाइप की आई के अंदर जो रॉड सेल्स होती हैं अगर उनको इक्वली स्टिमुलेट करेंगे तो ए सेंसेशन ऑफ विच लाइट कलर इज प्रोड्यूस्ड, तो व्हाइट लाइट जो है वो प्रोड्यूस होगी। इसी वजह से डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो इसका आंसर होगा थर्ड वाला। रेड लाइट नहीं, ऐसे ही पर्पल भी नहीं होगा, रेड ग्रीन और ब्लू नहीं, मेनली तीन टाइप की जो कॉर्न्स सेल्स प्रेजेंट होती है वो तीनों को इक्वली अगर स्टिमुलेट करेंगे तो उस कंडीशन में व्हाइट कलर जो है उसका सेंसेशन देखने को मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, एक्वा सेम्बर एंड विट्रस सेम्बर
ओप आई आर फिल्ड विथ डायरेक्ट एनसीईआरटी के अंदर बेटा ये लाइन रिप्रेजेंट की हुई है। एक्वस चैम्बर की बात करें तो उसके अंदर वाटरी फ्लूड भरा हुआ रहता है, और विट्रस चैम्बर की बात करें तो उसमें ट्रांसपेरेंट जेल लाइक सब्सटेंस जो है वो फिलअप रहता है, जिसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर में वाटरी फ्लूड होगा, और साथ ही अगर बात करें विट्रस चैम्बर के अंदर विट्रस जो ह्यूमर होगा वो कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट जेल लाइक। तो वाटरी फ्लूड एंड ट्रांसपेरेंट जेल लाइक रेस्पेक्टिवली क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा फर्स्ट वाला। उसके आगे अगर सेकंड की बात करें तो उल्टा दे रखा है, ट्रांसपेरेंट जेल एंड वाटरी फ्लूड रेस्पेक्टिवली, नहीं ट्रांसपेरेंट जेल दोनों में नहीं होता, वाटरी फ्लूड दोनों में नहीं, एक में वाटरी फ्लूड एक्वस चैम्बर में और विट्रस चैम्बर के अंदर ट्रांसपेरेंट जेल। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो 57 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मिडिल ईयर, मिडिल ईयर के लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है क्वेश्चन के अंदर। मिडिल ईयर कंटेन्स थ्री ईयर ओसिकल कॉल्ड मेलियस इंकस स्टेप्स, बिल्कुल सही बात है, मिडिल ईयर में तीन ईयर ओसिकल होती है, पहला स्टेटमेंट सही है। आगे भी देख लेते हैं, यूस्टेकियन ट्यूब कनेक्ट फेरिंग्स टू एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, नहीं गलत हो गया। The coiled portion of labyrinth is called cochlea, नहीं, saculi and utriculus contains a projecting ridge called macula, नहीं बिल्कुल ये भी ठीक नहीं है। अगर बात करें following statement is correct for middle ear, middle ear के correct statement की बात करें तो first statement बिल्कुल correct है, question number 57 का answer होगा first। उसके बाद में question number 58 के अंदर दिया हुआ है, in the labyrinth the organ of colti located in, लेबेरिंथ की बात करें तो आपने बोनी और मेम्ब्रेनस लेबेरिंथ दो पार्ट पढ़े होंगे इंटरनल ईयर के अंदर। अब यहां लेबेरिंथ की बात कर रहा है, और द ऑर्गन ऑफ कोल्टाई, ऑर्गन ऑफ कोल्टाई की बात करें तो डेफिनेटली कोक्लिया जो है उसके अंदर सेंसरी सेल्स का जो ग्रुप होता है, स्ट्रक्चर होती है, उसको बोल रहे हैं ऑर्गन ऑफ कोल्टाई। तो वो कहां प्रेजेंट होगा, पेरिलिम फिल्ड विथ स्केला मीडिया, पहले बात तो स्केला मीडिया में पेरिलिम नहीं एंडोलिम होता है तो ये तो वैसे नहीं होगा, एंडोलिम फिल्ड विथ स्केला वेस्टिबुलाई नहीं ये भी नहीं होगा, इसमें पेरिलिम होगा, पेरिलिम विद स्केला टेम्पेनाई ये भी नहीं होगा, एंडोलिम फिल्ड स्केला मीडिया बिल्कुल सही बात है। स्केला मीडिया की बात करें तो स्केला मीडिया के अंदर एंडोलिम भरा हुआ होता है, और इस एंडोलिम की बात करें तो इसके अंदर ऑर्गन ऑफ कोल्टाई सेंसरी सेल का ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, उसको बोलेंगे ऑर्गन ऑफ कोल्टाई, और यहां क्या भरा हुआ रहेगा, एंडोलिम भरा हुआ रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो इसका आंसर होगा फोर्थ वाला। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो इसमें पूछा है सिलेक्ट द पेयर ऑफ इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैचिंग आपको देखनी है, सेफेलोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा के अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक बात है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग बात कर रहा है। उसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, इंसेक्ट के अंदर मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के बतौर देखने को मिलती हैं एट द जंक्शनल रीजन बिटवीन मिडगट एंड हाइंडगट, 100 टू 150 के लगभग ये मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, बात सही है। एनेलिडा की बात करें तो इसके अंदर नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती है, ये बात भी सही है। लेकिन आगे फोर्थ स्टेटमेंट में दिया हुआ है क्रस्टेशिया और मेलपिजियन ग्लैंड, क्रस्टेशियंस की बात करें तो ये भी ऑर्थ्रोपोडी हैं, लेकिन इनके अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स नहीं होके इनके अंदर ग्रीन ग्लैंड जो हैं वो होती हैं, इसी वजह से क्रस्टेशियंस के लिए ये इंफॉर्मेशन गलत है, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर होगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो 60 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के रेफरेंस में करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखने हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करें तो रीनल ट्यूब्यूल्स बिगिंस विथ ए डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल, बिल्कुल सही बात है। रीनल ट्यूब्यूल्स की बात करें, नेफ्रॉन की बात करें तो स्टार्ट होता है कप लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर होगी जिसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, इनर लेयर और आउटर लेयर से बनी हुई डबल वॉल्ड ये स्ट्रक्चर होती है बोमेंस कैप्सूल, सही बात है। आगे दिया हुआ है द डायमीटर ऑफ इफ्रेंट अल्टीरियोल इज ग्रेटर देन अफ्रेंट अल्टीरियोल, ये गलत हो गया भाई, उल्टा बोल दिया, अफ्रेंट अल्टीरियोल का डायमीटर ज्यादा होता है और इफ्रेंट अल्टीरियोल का डायमीटर कम होता है, बी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। उसके बाद में दिया हुआ है ग्लोमेरुलस अलोंग विथ पीसीटी कंपोज रीनल कॉर्पसल्स,
सी की बात करें तो ग्लोमेरुलस अलोंग विद पीसीटी, पीसीटी के साथ नहीं बोमेंस कैप्सूल के साथ, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक नहीं है, सी भी गलत हो गया। आगे दिया हुआ है लूप ऑफ हेनले लोकेटेड इनटू द मेडुला ऑफ किडनी, ये बात ठीक है। उसके बाद में इस स्टेटमेंट के लिए बोला है अफरेंट अल्टेरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस एंड फॉर्म पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, उल्टा बोल दिया, अफरेंट अल्टेरियोल नहीं बेटा, ग्लोमेरुलस से इफरेंट अल्टेरियोल आगे चल के और वो क्या बनाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क या फिर वासा रेक्टा का फॉर्मेशन करता है, तो ये भी बात ठीक नहीं है। अब करेक्ट स्टेटमेंट के लिए पूछा है नेफ्रॉन्स के रेफरेंस में, तो ए और डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 के अंदर पूछा है सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज एमिनो एसिड्स एनए प्लस ईटीसी इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स बाय विच मेथड, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी के अंदर रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, ग्लूकोज की बात करें, एमिनो एसिड्स की बात करें या सोडियम आयंस वगैरह ईटीसी की बात करें, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन जो है रीअब्सॉर्प्शन की प्रोसेस कैसे होती है, एक्टिवली होती है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसका आंसर करेंगे अपन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है कॉर्टिकल पोर्शन ऑफ किडनी प्रोजेक्टिंग बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड इन ह्यूमन किडनी आर कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी अपरेटस, नहीं जेजी अपरेटस अलग चीज होता है, सेंसरी सेल्स का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन नहीं, कॉलम ऑफ बल्टिनी, रीनल कॉलम ऑफ बल्टिनी बोलेंगे, बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर सपोज करो आपने किडनी का स्ट्रक्चर जो है पढ़ा हो तो ऐसे इसके अंदर ये मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट होंगे, और इन मेडुलरी पिरामिड्स की बात करें तो इन मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर ऐसे इस कॉर्टिकल पार्ट की बात करें तो अंदर वाली साइड में दसा हुआ होता है, इनको बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बल्टिनी, कॉलम ऑफ बेलिनी नहीं, ये भी नहीं, ये डक्ट ऑफ बेलिनी होती है, कॉलम ऑफ बेलिनी नहीं होता, तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो इसमें पूछा है चूज द इनकरेक्ट वन फॉर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के लिए आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। पहला स्टेटमेंट बोला है लूप ऑफ हेनले एज Very long and runs deep into the medulla. बिल्कुल सही बात है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर लूप ऑफ हेनले जो है वो डिप करती है और लॉन्ग होती है, सही बात है। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस, नहीं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात करें तो इसके अंदर वासा रेक्टा अच्छा खासा डेवलप होता है, रिड्यूस नहीं होता। इनकरेक्ट की बात करें तो 63 का आंसर होगा सेकेंड। उसके बाद में थर्ड स्टेटमेंट में दिया जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन आर लेस इन नंबर, नहीं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात करें तो इनका नंबर लेस नहीं होता, ज्यादा होता है। ऐसे ही इट डज हेल्प्स इन कंसंट्रेशन इन यूरिन, बिल्कुल ये बात भी करेक्ट है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन की बात करें तो इसमें हेल्पफुल होता है। क्वेश्चन के अंदर इनकरेक्ट पूछा है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस, ये गलत बात है, वासा रेक्टा अच्छी खासी डेवलप होती है, आंसर होगा सेकेंड वाला। 64 की बात करें इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन द फिल्ट्रेट इज आइसोटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के आइसोटोनिक नेफ्रॉन के किस पार्ट के अंदर फिल्ट्रेट आपको देखने को मिलेगा, उससे रिगार्डिंग अगर बात करें तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब पीसीटी वाले पार्ट की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है आइसोटोनिक होता है फिल्ट्रेट, जैसा ब्लड से फिल्ट्रेट बना है वैसे की वैसी ही ऑस्मोलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, इसी वजह से पीसीटी वाले पार्ट की बात करें तो उसके अंदर आइसोटोनिक होता है, डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर भी नहीं, असेंडिंग लिम्ब के अंदर भी नहीं और कलेक्टिंग डक्ट नहीं। क्वेश्चन 64 की बात करें तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 65 इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ट्यूबुलर सिक्रीशन डज नॉट टेक प्लेस, ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात करें तो वो नेफ्रॉन के किस पार्ट में नहीं होता है, पीसीटी वाले पार्ट के अंदर भी देखने को मिलेगा बेटा, डीसीटी वाले पार्ट के अंदर भी ट्यूबुलर सिक्रीशन देखने को मिलता है, और ऐसे ही डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की बात करें तो इसके अंदर ट्यूबुलर सिक्रीशन की प्रोसेस नहीं देखने को मिलेगी, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो इसका आंसर होगा थर्ड, कलेक्टिंग डक्ट की बात करें तो ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता बेटा, क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर होगा थर्ड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 66 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ ब्लैंक्स ए बी सी एंड डी एंड चूज द ऑप्शन विच करेक्टली फिल अप द ब्लैंक्स, करेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो फिलअप करनी है आपको। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें टोटल अमाउंट ऑफ यूरिया एक्सक्रीटेड इन 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन इज,
1 to 1.5 लीटर जो यूरिन एलिमिनेट करवा रहे हैं उसमें अमाउंट ऑफ यूरिया की बात करें तो उसके लिए बोला है ए, और अमाउंट ऑफ यूरिया की बात करें तो ये बेटा 25 टू 30 ग्राम के लगभग हो सकता है, तो ए की बात करें तो ये तो क्या होगा 25 टू 30 ग्राम होगा। ऐसे मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन अकर्स इन लूपोफेनले की बात करें तो इसके अंदर नेट जो रीअब्सॉर्प्शन होता है वो क्या होता है मिनिमम होता है, इसी वजह से बी की बात करें तो बी लूपोफेनले होगा। ऐसे ही नियरली सी परसेंट पार्ट ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स, रीअब्सॉर्प्शन की प्रोसेस की बात करें रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर तो जितना भी फिल्ट्रेट बनता है उसका अप्रोक्सीमेट 99% पार्ट की बात करें तो उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, रिमेनिंग 1% के लगभग है वो ही यूरिन की फॉर्म में एलिमिनेट करवाया जाएगा। नाइट्रोजिनस वेस्ट इन द फिल्ट्रेट आर एब्जॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट की बात करें तो यहां पे डी की बात करें तो डी क्या होगा ये पैसिव होगा। अब ऐसा ऑप्शन देख लीजिए आप, ए की बात करें तो 15 से 20 ग्राम नहीं, ए है 25 टू 30 ग्राम, बी की बात करें तो लूप ऑफ हेनले, सी की बात करें तो ये 69% नहीं होगा ये 99% होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 4 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 की बात करें तो कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ Na प्लस एंड वाटर टैक्स प्लेस इन पी इन द प्रेजेंस ऑफ क्यू, पी की बात करें तो पी जो है वो पहले बात तो कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन की प्रोसेस कहां होगी और क्यू को आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसकी प्रेजेंस में ये देखने को मिलेगी ऐसी, तो डेफिनेटली कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन की प्रोसेस कहां देखने को मिलती है नेफ्रॉन के डीसीटी वाले पार्ट में और किसके इन्फ्लुएंस में प्रोसेस होती है तो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो होता है उसकी प्रेजेंस में होगी, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो इसका आंसर होगा सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 68, ए स्पेशल सेंसिटिव रीजन कॉल्ड जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जेजीए इज फाउंड बाय सर्टेन सेल्स ऑफ, किस किस की सेल्स मॉडिफाई होकर जेजीए बनाती हैं, तो डेफिनेटली डीसीटी जो होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब वो जो है किसके कॉन्टेक्ट में आता है अफरेंट अल्टीरियोल के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से दोनों ही सेल्स के अंदर मॉडिफिकेशन हो जाता है, कुछ सेंसरी सेल्स डेवलप हो जाती है, इसी वजह से डीसीटी और अफरेंट अल्टीरियोल की बात करें तो इनकी सेल्स में मॉडिफिकेशन होके और जो सेंसरी सेल्स का ग्रुप बनता है उसको क्या बोलते हैं जेजीए बोलेंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब की नहीं होगा, ए एंड सी से रिगार्डिंग आप ऑप्शन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो इसका आंसर होगा 3rd। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो इसमें आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन से रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। पहला दिया हुआ है काउंटर करंट मैकेनिज्म वर्क्स अराउंड द ग्लोमेरुलस एंड पीसीटी, गलत बात है, काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो कहां बनता है लूप ओपेनले और वास रेक्टा के वाले पोर्शन में बनता है, इसी वजह से ये गलत है। टू प्रिवेंट डायूरेसिस एडीएच फैसिलिटेट वाटर रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स, बिल्कुल सही बात है, अगर बात करें डायूरेसिस को प्रिवेंट करने की तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है उसके द्वारा वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करवाया जाता है नेफ्रॉन के डीसीटी वाले पार्ट से कलेक्टिंग डक्ट वाले पार्ट से, इसी वजह से स्टेटमेंट सेकंड की बात करें तो ये बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड की बात करें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन नहीं रीअब्सॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आकार से इन हेनले लूप नहीं, ऐसे ही द कलेक्टिंग डक्ट इज इम्परमिएबल टू वाटर नहीं परमिएबल होती है, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो इसका आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू हीमोडायलाइसिस, हीमोडायलाइसिस से रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो देखना है, करेक्ट रेफरेंस देखना है। पहला दिया हुआ है नाइट्रोजिनस वेस्ट आर रिमूव्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा नाइट्रोजिनस वेस्ट को नहीं करवाया जाता है, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट भी गलत है। सेकंड के लिए बोला है द डायलाइसिस यूनिट हैज ए कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब, बिल्कुल सही बात है, डायलाइसिस मशीन की बात करें यूनिट की बात करें तो उसके अंदर कोयलिंग की फॉर्म में सेलोफेन ट्यूब देखने को मिलती है और माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ब्लड इज पंप्ड बैक थ्रू ए सुटेबल आर्टरी, आर्टरी नहीं जैसे ही ब्लड को फिल्टर किया जाता है वापस सुटेबल वेन के द्वारा कहीं ना कहीं वापस बॉडी के अंदर एंट्री करवाया जाता है। एंटीहिपेरिन इज एडेड प्रायर टू हीमोडायलाइसिस, एंटीहिपेरिन नहीं, हिपेरिन जो है एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है, उसको ऐड किया जाता है ताकि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो। तो क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो इसका आंसर होगा सेकंड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 71 के अंदर पूछा है द आउटलाइन ऑफ प्रिंसिपल इवेंट ऑफ यूरिनेशन,
इज गिवन बिलो इन रैंडम मैनर। यूरिनेशन की बात करें, मिक्चुरेशन से रिगार्डिंग यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उनको करेक्ट जो ऑर्डर है, करेक्ट सीक्वेंस जो है उसके अंदर आपको अरेंज करना है। सबसे पहले दिया हुआ है स्ट्रेस रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लेडर सेंड सिग्नल टू द सीएनएस। बात तो सही है लेकिन डायरेक्ट सिग्नल थोड़ी ना सेंड कर देगा। सिग्नल कब सेंड करेगा? तो जब यूरिनरी ब्लेडर यूरिन से फिलअप हो जाता है तो उसी कंडीशन में ये स्टिमुलेट होके और सिग्नल सेंड करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, यूरिनरी ब्लेडर जो है वो जैसे ही फिलअप होगा उसके बाद में स्ट्रेस रिसेप्टर जो है वो क्या करेंगे, सिग्नल सेंड करेंगे सीएनएस को, और सीएनएस को सिग्नल सेंड करने के बाद में क्या होगा, सीएनएस जो है वो मोटर में सिग्नल जो है वो पास करेगा और जिसकी वजह से स्फिंक्टर ओपन होंगे और यूरिनरी ब्लेडर की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा, मिक्चुरेशन की प्रोसेस होगी। तो आपको सिक्वेंस देखना है, सबसे पहले क्या आएगा, दो नंबर, उसके बाद में एक नंबर, उसके बाद में चार नंबर, और उसके बाद में आएगा तीन नंबर। ऐसे सीक्वेंस देख लो आप, तो 2, 1, 4 और 3 क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो इसका आंसर होगा थर्ड वाला। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 के अंदर दिया हुआ है, ए पर्सन इज अंडरगोइंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग, हिज यूरिन विल बी फाउंड टू कंटेन एबनॉर्मल क्वांटिटीज ऑफ। अगर कोई प्रोलॉन्ग फास्टिंग की कंडीशन में है तो डेफिनेटली उसकी बॉडी के अंदर रिजर्वियर की फॉर्म में जो भी फैट है उसको यूटिलाइज किया जाएगा एनर्जी सोर्स के बतौर, और फैट की जब ब्रेकडाउन की बात करें तो उसी कंडीशन में डेफिनेटली कीटोन बॉडी जो है उनका फॉर्मेशन हो सकता है। तो उसके यूरिन के अंदर आपको फैट नहीं देखने को मिलेगा, एमिनो एसिड्स में नहीं, ग्लूकोज में नहीं, लेकिन कीटोन बॉडी जो है वो देखने को मिल सकती है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो इसका आंसर होगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्रीटेड थ्रू द सीबम। सीबेसियस ग्लैंड की बात करें तो उनके द्वारा सीबम या ऑयली सिक्रीशन रिलीज करवाया जाता है। डायरेक्ट एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है बेटा, सीबम की बात करें या सीबेसियस ग्लैंड के सिक्रीशन की बात करें तो उनमें स्टीरोल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं, वैक्स जो है वो भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl वगैरह की बात करें तो ये प्रेजेंट नहीं होगा। और क्वेश्चन ने पूछा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्रीटेड थ्रू सीबम एक्सेप्ट, कौन एक नहीं है, बाकी सबको एक्सक्रीट करवाया जा सकता है, तो NaCl। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 की बात करें तो इसमें सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखने हैं मसल और स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर से रिगार्डिंग। पहला दिया हुआ है माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच इनहिबिट स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट। माइस्थेनिया ग्रेविस की बात करें तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो है, लेकिन स्लाइडिंग की बात करें तो उसको डिसऑर्डर विच इनहिबिट द स्लाइडिंग, स्लाइडिंग की बात करें तो उसको अफेक्ट नहीं करता है, मेनली जो रिसेप्टर्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन के वो डिस्ट्रॉय होते हैं, तो पहला जो है वो ठीक नहीं है। आगे दिया हुआ है गाउट इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम नहीं होगा भाई, यूरिक एसिड्स के क्रिस्टल्स वगैरह डिपोजिट होते हैं, ये भी ठीक नहीं है। ऐसे ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, नहीं, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन आपको देखने को मिलता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर, एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसी वजह से ये भी ठीक नहीं है। आगे दिया हुआ है ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज इन बोन मास एंड हायर चांस ऑफ फ्रैक्चर विथ एडवांसिंग एज। जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं बोन मास जो है वो कम होने लग जाता है और फ्रैक्चर के चांस भी बढ़ जाते हैं। इस डिसऑर्डर की बात करें तो इसको बोलेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। तो 74 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 की बात करें तो 75 के अंदर पूछा है ग्लेनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट्स विद ह्यूमरस एंड स्केपुला। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, पेक्टोरल गर्डल की बात करें तो यहां अपना क्लेविकल होता है और साथ ही पीछे वाले डॉर्सल सरफेस के ऊपर स्केपुला बोन होती है, और दोनों की अगर बात करें स्केपुला की तो स्केपुला का जो एक्रोमियन प्रोसेस वाला पार्ट है और वो मिलकर ग्लेनॉइड कैविटी बनाता है जिसके अंदर अपना ह्यूमरस वाला हेड है वो आर्टिकुलेट करता है। इसी वजह से ग्लेनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट विद ह्यूमरस विथ स्केपुला। स्केपुला की द्वारा जो सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाई जाती है, ग्लेनॉइड कैविटी बनाई जा रही है और वहां पे हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो आर्टिकुलेट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला, क्लेविकल विथ एक्रोमियन ये भी नहीं, स्केपुला विथ एक्रोमियन नहीं, क्लेविकल विथ स्केपुला ये भी नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर होगा फर्स्ट।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो 76 के अंदर पूछा है ऑस्टियोपोरोसिस इज एन एज रिलेटेड डिजीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम मे अकर्स ड्यू टू। ये ऑस्टियोपोरोसिस किसकी वजह से होता है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, एज बढ़ने के साथ ऐसा क्या हो जाता है जो कि बॉन्स जो है पुअर बन जो वीक है वो हो जाती है, बोन मास जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसके अंदर दिया हुआ पहला ऑप्शन हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड एन ए प्लस, नहीं। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, डेफिनेटली एस्ट्रोजन जो है उसका लेवल डिक्रीज हो जाने की वजह से कहीं ना कहीं ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो हैं वो क्या करने लग जाती हैं, बॉन्स के अंदर जो डिपॉजिट कैल्शियम रहता है उसको रिमूव करवाने लग जाती हैं, इसी वजह से बॉन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं और फ्रैक्चर के चांस इंक्रीज हो जाते हैं, इसी वजह से इस डिसऑर्डर को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो डेफिनेटली सेकेंड स्टेटमेंट सही है। आगे दिया हुआ एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, नहीं ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड ये बात नहीं है। इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिग, ये बात भी ठीक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर आ जाएगा सेकंड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 77, द पिवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज ए टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। पिवट जॉइंट की बात करें तो ये बेटा साइनोवियल जॉइंट है, उसका एक टाइप है। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर आ जाएगा सेकंड। कार्टिलेजिनियस जॉइंट भी नहीं है, सैडल जॉइंट भी नहीं है, फाइब्रस जॉइंट भी नहीं है, साइनोवियल जॉइंट का टाइप है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो 78 के अंदर पूछा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आपको आइडेंटिफाई करना है 78 के अंदर। पहला दिया हुआ है ईच रिब इज ए फ्लैट थिन बोन एंड ऑल द रिब्स आर कनेक्टेड डॉर्सली टू द थोरेसिक वर्टिब्री एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। सारी जितनी भी रिब्स हैं बेटा, सारी रिब्स जो है डॉर्सली तो कनेक्टेड रहती हैं वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन वेंट्रली सारी स्टर्नम के साथ कनेक्टेड नहीं होती हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। उसके बाद में सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है देयर आर 7 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रू स्टर्नल, 3 pairs of vertebral control and 2 pairs of vertebral ribs। बिल्कुल सही बात है। टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स की बात करें तो फर्स्ट 7 पेयर जो है उनको बोल रहे हैं वर्टिब्रो स्टर्नल, क्योंकि डायरेक्ट स्टर्नम के साथ और वर्टिब्रल कॉलम के साथ कनेक्टेड रहती हैं। 3 पेयर्स की बात करें तो उनको बोला वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम के साथ, लेकिन वेंट्रली कार्टिलेज की हेल्प से इनडायरेक्ट रूप से स्टर्नम के साथ कनेक्टेड रहती हैं। और 2 पेयर्स की बात करें तो वो फ्लोटिंग होती हैं, डॉर्सली तो कनेक्टेड रहती हैं लेकिन वेंट्रली फ्री रहती हैं। इसी वजह से 78 की बात करें तो इसके अंदर सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आगे दिया हुआ है 8th, 9th, 10th पेयर ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम, डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं करती हैं बेटा, कार्टिलेज की हेल्प से आर्टिकुलेट करती हैं। 11th and 12th पेयर ऑफ रिब्स आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, ये स्टर्नम के साथ कनेक्टेड नहीं होती, इसी वजह से फोर्थ स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर होगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग, करेक्ट मैचिंग फाइंड आउट करना आपको। पहले दिया हुआ स्केलेटल सिस्टम, और स्केलेटल सिस्टम को डिवाइड किया जाता है बेटा 2 पार्ट के अंदर, एक को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सियल स्केलेटल और दूसरे पार्ट के लिए पूछा गया है ए मार्क करके। एक्सियल स्केलेटल जब रिप्रेजेंट किया गया है तो डेफिनेटली इसके पैरेलल दूसरा पार्ट जो है वो कौन सा होगा, अपेंडिकुलर स्केलेटल होगा। तो बी ए जो है ये वाला पार्ट क्या होगा, अपेंडिकुलर स्केलेटल। उसके बाद में अपेंडिकुलर स्केलेटल की बात करें तो उसमें किसको कंसिडर किया जाता है, तो डेफिनेटली एक तरफ रिप्रेजेंट किया है लिम्ब्स को, और एनोदर साइड अगर बात करें दूसरी साइड बात करें तो वहां डी रिप्रेजेंट किया हुआ है। अपेंडिकुलर स्केलेटल का पार्ट एक पार्ट बता दिया लिम्ब्स, और दूसरे पार्ट की बात करें तो डेफिनेटली यहां पे डी जो है वो क्या होगा, गर्डल्स होंगी। यानी डी की बात करें तो आपको डी को आइडेंटिफाई करना है गर्डल्स के बतौर। ऐसे ही एक्सियल स्केलेटल की पार्ट वाले पार्ट की बात करें तो इसके अंदर स्कल को रिप्रेजेंट किया हुआ है, स्टर्नम को रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम्स की बात करें या फिर रिब्स की बात करें तो उनको भी किसमें कंसिडर किया जाता है, एक्सियल स्केलेटल के बतौर। इसी वजह से बी और सी की बात करें तो ये वर्टिब्रल कॉलम्स और रिब्स हो सकती हैं। ऐसा ऑप्शन देखना आपको, डेफिनेटली सबसे पहले ए को अपेंडिकुलर स्केलेटल वाला ऑप्शन देखिए आप, ए अपेंडिकुलर स्केलेटल, ए अपेंडिकुलर स्केलेटल। फिर उसके बाद में डी के लिए आपको गर्डल देखना है, डी पेल्विस नहीं है, डी कॉक्सल बॉन्स भी नहीं बोलेंगे डायरेक्टली, ऐसे ही डी गर्डल्स और डी गर्डल्स।
डेफिनेटली आंसर जो है थर्ड और फोर्थ में से होगा। अब आगे बात करते हैं बी और सी की। बी की बात करें तो यहां पे रिप्रेजेंट किया हुआ है वर्टिब्रल कॉलम, बिल्कुल बी वर्टिब्रल कॉलम हो सकता है, और साथ ही सी की बात करें तो सी रिब्स, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर बी के लिए बोला है क्रेनियल बोन, नहीं क्रेनियल बोन जो है उनको बेटा स्कल के अंदर कंसिडर कर लिया जाता है, इसी वजह से क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर फोर्थ नहीं होगा, इसका आंसर होगा थर्ड वाला। और सी को बोला हुआ है फेसियल बोन, नहीं फेसियल बोन को भी ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है किसके अंदर, स्कल बोन के अंदर, इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो ए अपेंडिकुलर स्केलेटल होगा, बी वाला पार्ट वर्टिब्रल कॉलम होगा, सी वाला पार्ट जो है वो रिब्स होगा, और डी की बात करें तो ये गर्डल्स होंगी। क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मैचिंग, एक तरफ साइनोवियल जॉइंट के टाइप दे रखे हैं और दूसरी तरफ कौन सी बोन इन्वॉल्व हो रही है टाइप्स ऑफ जॉइंट के अंदर, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। करेक्ट मैचिंग जो है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट की बात करें तो इसका एक टाइप रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करें तो अपना हिप जॉइंट होता है उसमें, और पेक्टोरल गर्डल का ये वाला जो जॉइंट होता है ह्यूमरस के बीच में और इसके पुला के बीच में, तो यहाँ पे जो जॉइंट होता है वो बॉल एंड सॉकेट फ्रीली मूवेबल ये जॉइंट होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करें तो इसके अंदर ऑप्शन देखिए, पहला कार्पल मेटाकार्पल नहीं, एटलस एक्सिस नहीं, फ्रंटल पैराइटल नहीं, नी जॉइंट में भी नहीं, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, तो डेफिनेटली ए को आप मैच करिए 5 के साथ। उसके बाद में हिंज जॉइंट की बात करें तो जैसे अपना नी जॉइंट वगैरह होता है या फिर जैसे एल्बो जॉइंट होता है, ये एक प्रकार के हिंज जॉइंट होते हैं, इसी वजह से हिंज जॉइंट को यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है नी जॉइंट का, उसके साथ मैच कर दीजिए। ऐसे ही पिवट जॉइंट की बात करें तो पिवट जॉइंट को आपको कंसिडर करना है एटलस एंड एक्सिस। एटलस एंड एक्सिस की बात करें जो अपनी फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री होती है उनके बीच में जो जॉइंट होगा उसको बोलेंगे पीवट जॉइंट। ऐसे ही अगर बात करें सैडल जॉइंट की तो सैडल जॉइंट प्रेजेंट होता है बेटा कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थम्स के बीच में। ये मैचिंग जो है ए को 5 के साथ, बी को 4 के साथ, और सी को सेकंड के साथ, और डी को फर्स्ट के साथ, ऐसा ऑप्शन देख लीजिए ए 5, बी 4, सी सेकंड एंड डी 1। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर होगा बेटा फर्स्ट वाला। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो फिर से मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। पहला कॉलम दिया हुआ है इधर वाली साइड में कुछ बॉन्ड्स जो हैं उनकी कैटेगरी को रिप्रेजेंट किया है, और दूसरी साइड में उन बॉन्ड्स जो हैं उनके नेम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट की हुई है। जैसे मैच द कॉलम के अंदर व्रिस्ट बॉन्ड की बात करें तो व्रिस्ट बॉन्ड के बतौर जैसे अगर बात करें तो कार्पल्स जो हैं उनको अपन व्रिस्ट के अंदर कार्पल्स प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही थाई बोन की बात करें तो थाई के अंदर फीमर बोन प्रेजेंट होती है, तो उसके साथ इसको मैच कर दो। व्रिस्ट बोन की बात करें तो इसके अंदर कार्पल्स, ऐसे ही एंकल बोन की बात करें तो एंकल वाले पार्ट के अंदर बेटा टार्सल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसे ही पाम वाले पोर्शन की बात करें और डिजिट्स की बात करें तो पाम वाले पोर्शन के अंदर मेटाकार्पल प्रेजेंट होंगे, डिजिट्स के अंदर जो पार्ट बोन्स के सेगमेंट होते हैं उनको फेलेंजेस बोलेंगे। अब ऐसी मैचिंग देख लो जिसके अंदर ए को सेकंड के साथ दिया हुआ हो, ए को सेकंड के साथ, बी को दिया हुआ हो 5 के साथ, बी को दिया हुआ है 5 के साथ, सी को दिया हुआ हो 4 के साथ, डी को दिया हुआ है फर्स्ट के साथ, और ई को दिया हुआ है थर्ड के साथ। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा थर्ड वाला, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो इसमें फिर से मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, मैच द कंपोनेंट्स ऑफ कॉलम ए विथ कॉलम बी एंड सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम गिवन कॉर्ड्स। पहला दिया हुआ है क्रेनियल बोन्स, और क्रेनियल बोन्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ क्रेनियल बोन्स से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्रेनियल बोन की बात करें तो आपने पढ़ा होगा फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सिपिटल, टेम्पोरल, स्पिनॉइड एंड एथेमोइड बोन्स। टाइप्स ऑफ बोन की बात करें तो क्रेनियल बोन्स जो है वो बेटा 6 टाइप की होंगी। ऐसे ही अगर फेसियल बोन्स की बात करें तो फेसियल बोन्स जो हैं वो कितने टाइप की होंगी, 8 टाइप्स ऑफ बोन्स जो हैं वो फेसियल बोन होंगी। थोरेसिक वर्टिब्री की बात करें तो ये 12 बोन्स होंगी। ऐसे ही बोन इन
अपर एक्सट्रीमिटी की बात करें तो इसके अंदर पेक्टोरल गर्डल प्लस आर्म बोन्स, दोनों आर्म्स की बात करें, अपर आर्म की बात करें तो 30 बोन्स और 30 बोन्स, टोटल नंबर ऑफ बोन्स की बात करें तो 60 बोन्स के अंदर आपको गर्डल बोन्स जो है उनको और कंसिडर करना है। और गर्डल बोन की बात करें तो जैसे राइट साइड की बात, राइट हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल की बात करें तो उसके अंदर एक स्केपुला एंड एक क्लेविकल होगा, ऐसे लेफ्ट के अंदर भी एक स्केपुला प्लस एक क्लेविकल होगा। टोटल पेक्टोरल गर्डल की बात करें तो उसके अंदर 4 बोन्स प्रेजेंट होंगे, 60 प्लस 4 की बात करें तो वो 64 बोन्स होंगी। इसी वजह से अपर एक्सट्रीमिटी ऑफ बोन्स की बात करें तो उनके अंदर नंबर ऑफ बोन्स 64 होगा, उसके साथ मैचिंग करनी है। अब ऐसा ऑप्शन आप तलाशोगे जिसके अंदर ए के अंदर दिया हुआ हो थर्ड वाला, ए के अंदर दिया हुआ है थर्ड, बी के अंदर दिया हुआ है फर्स्ट वाला, बी के अंदर फर्स्ट, ऐसे ही सी को दिया हुआ है सेकंड के साथ मैच किया हुआ है, और डी को फोर के साथ। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा फर्स्ट वाला। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो 83 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस इज कंसिडर एज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की बात करें तो इसके अंदर बेटा अपना इम्यून सिस्टम जो होता है वो अपनी बॉडी के किसी भी सेल्स या टिश्यू के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना के और उसी को खत्म करने, डिजनरेट करने या नष्ट करने लग जाता है, ऐसे डिसऑर्डर को बोलते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की बात करें तो यहां ऑप्शन दिया हुआ है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो एक प्रकार का बेटा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। दूसरा दिया हुआ है आर्थराइटिस का ही सब टाइप है ऑस्टियोआर्थराइटिस, तीसरा गाउटी आर्थराइटिस, ये भी नहीं होगा, फोर्थ में दिया हुआ है बहुत सेकंड एंड थर्ड। ऑस्टियोआर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस बेटा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का एक ही एग्जांपल है यहां रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो रिप्रेजेंट किया हुआ है। 83 की बात करें तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो पूछा है फोरामेन मैग्नम इज प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम, नहीं स्कल, स्कल की बात करें तो अपना जो ऑक्सिपिटल बोन होता है जहां से मेडुला ऑब्लोगेटा वाला जो पोर्शन है वो एक्सटेंड होते हुए स्कल वाला पोर्शन है उसको बाहर एग्जिट करता है स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्म में, तो इस ऑक्सिपिटल बोन के अंदर जो फोरामेन प्रेजेंट होता है स्कल बोन के अंदर ही उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम। इसी वजह से फोरामेन ऑफ मैग्नम प्रेजेंट इज प्रेजेंट इन स्कल, इसका करेक्ट आंसर होगा थोरेसिक केज भी नहीं, पेल्विक गर्डल भी नहीं। 84 का आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 के अंदर पूछा है चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन विथ रेफरेंस टू द ग्लैंड इट्स ए हार्मोन एंड प्रिंसिपल एक्शन। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है टाइप्स ऑफ ग्लैंड से रिलेटेड, पहले एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन की बात करें तो उसका हार्मोन रिप्रेजेंट किया गया है या एड्रेनलिन, डेफिनेटली ये रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड से। फिर प्रिंसिपल एक्शन की बात करें तो इसमें दिया हुआ है इंक्रीज द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स, इंक्रीज O2 कंजप्शन एंड डायलेशन ऑफ प्यूपिल। बिल्कुल प्रिंसिपल एक्शन की बात करें तो डेफिनेटली एड्रेनलिन जो है ये फंक्शन करवा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है सही दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर पूछा है इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इनकरेक्ट ऑप्शन अपने को तलाशना है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है पेंक्रियाज, और पेंक्रियाज का आइसोलेट ऑफ लेगरहेंस वाला पार्ट है उससे इंसुलिन हार्मोन भी सिक्रीट होता है, ये बात भी सही है। आगे दिया हुआ है स्टिमुलेट ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू मसल्स एंड एडिपोज सेल्स, बिल्कुल ये बात भी सही है। इंसुलिन की बात करें तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम करवाता है, कैसे करवाता है तो डेफिनेटली मसल्स एंड एडिपोज सेल्स की बात करें तो वहां पे इस ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको स्टिमुलेट करवा के ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम करवाता है, इसी वजह से यहां पे ये इंफॉर्मेशन भी सही दी हुई है। फिर दिया हुआ है थाइमस ग्लैंड के से रिलेटेड थाइमोसिन हार्मोन, सही बात है, स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन इम्यून सिस्टम एंड प्रमोट प्रोलिफरेशन एंड मैच्यूरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, बिल्कुल ये बात भी सही है। फिर आगे फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है थायराइड ग्लैंड, और थायराइड के आगे दिया हुआ है फिर कैल्सिटोनिन, और इसके लिए बोला है इट इज इन्वॉल्वड इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। कैल्सिटोनिन हार्मोन की बात करें तो डेफिनेटली वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो है या कैल्शियम होम्योस्टेसिस की बात करें तो उसमें इन्वॉल्व तो होता है, एंड इट इज हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। नहीं नहीं, ये इंफॉर्मेशन गलत है, इसी वजह से क्वेश्चन के अंदर भी इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें तो इसका आंसर होगा फोर्थ वाला। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो 86 के अंदर पूछा है गिवन बिलो
इज ए लिस्ट ऑफ सर्टेन एंडोक्राइन ग्लैंड डिसऑर्डर. एंडोक्राइन ग्लैंड डिसऑर्डर से रिलेटेड यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट की हुई है और उनमें से क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंक्लूड डिजीज दैट आर ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ ए सिंगल ग्लैंड. एक ही ग्लैंड से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उनका कॉम्बिनेशन आपको देखना है और उस ग्लैंड के भी ओनली हाइपर सिक्रीशन की वजह से होने वाले डिसऑर्डर आपको देखने हैं. चलो पहला ए की बात करें तो ए के अंदर दिया हुआ है गिगेंटिज्म जो कि हाइपर सिक्रीशन से होता है. दूसरा हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, लेकिन बी में दिया हुआ है ड्वार्फिज्म जो कि हाइपोसिक्रीशन की वजह से होता है, ये भी नहीं है. डायबिटीज मेलाइटस की बात करें तो डायबिटीज मेलाइटस जो है ये भी इंसुलिन के हाइपोसिक्रीशन की वजह से होता है. ऐसे ही अगर डायबिटीज इंसिपिडस की बात करें तो ये भी हाइपोसिक्रीशन की वजह से होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन की वजह से, जबकि क्वेश्चन में आपको देखना है ओनली हाइपर सिक्रीशन. फिर आगे दिया हुआ है एक्सोथैल्मिक गोइटर. एक्सोथैल्मिक गोइटर की बात करें तो ये हाइपरथायरॉइडिज्म की वजह से होता है. ऐसे ही ग्रेव्स डिजीज की बात करें या बेस्डो डिजीज की बात करें तो ये भी हाइपरथायरॉइडिज्म की वजह से होता है. इसी वजह से सेम थायरॉइड ग्लैंड की बात करें तो उसके हाइपर सिक्रीशन की वजह से ही एक्सोथैल्मिक गोइटर एंड ग्रेव्स डिजीज जो है ये हो सकता है. इससे रिगार्डिंग ऑप्शन की बात करें तो ई और एफ वाला ऑप्शन आप देख लीजिए, इसके अंदर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो इसका आंसर होगा थर्ड वाला. उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 के अंदर पूछा है हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स अल्टर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉजिंग अक्यूट वीकनेस एंड फैटिग लीडिंग टू ए डिजीज कॉल्ड एक्सोथैल्मिक गोइटर. एक्सोथैल्मिक गोइटर की बात तो अभी की है, ये हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन या हाइपर थायरॉइडिज्म की वजह से होता है, जबकि यहां पूछा है हाइपोसिक्रीशन और वो भी किसका, एड्रेनल कॉर्टेक्स का. फिर दिया हुआ है एडिसन डिजीज. बिल्कुल एडिसन डिजीज की बात करें तो ये एड्रेनल कॉर्टेक्स के हाइपोसिक्रीशन की वजह से होता है, जिसके अंदर ब्रॉन्जिंग ऑफ स्किन वाली जैसी कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाती है. यानी कि एडिसन डिजीज की बात करें तो ये एड्रेनल कॉर्टेक्स के हाइपोसिक्रीशन से होता है. डायबिटीज इंसिपिडस की बात करें तो यह हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला जो पोर्शन होता है वहां से रिलीज करवाया जाता है. सिक्रीशन की बात करें तो यह हाइपोथैलेमस वाले पार्ट में होगा, यह भी नहीं. ग्रेव्स या बेस्डो डिजीज से रिलेटेड अभी बात की थी अपन ने. क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें तो इसका आंसर होगा सेकेंड वाला. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 88 के अंदर पूछा है फॉलोइंग हॉर्मोन्स आर स्टीरोइड इन नेचर. कौन से हॉर्मोन्स जो हैं स्टेरॉयडल नेचर के हैं उससे रिलेटेड आपको ऑप्शन देखना है. पहला दिया हुआ है थायरोट्रॉपिक इंसुलिन गोनेडोट्रॉपिक, नहीं ये प्रोटीनेशियस हॉर्मोन है. ऐसे ही दूसरा दिया हुआ है कॉर्टिसोल एल्डोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन. डेफिनेटली कॉर्टिसोल की बात करें या एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन एंड सेक्स स्टेरॉइड्स की बात करें जैसे कि एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन, तो ये सभी क्या है, स्टेरॉइडल नेचर के हार्मोन है. इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड वाला. थर्ड की बात करें तो उसमें पैराथ हार्मोन एल्डोस्टेरोन प्रोस्टाग्लैंडिन दिया हुआ है, नहीं ये भी नहीं होगा. फोर्थ में ऑक्सीटोसिन वेजोप्रेसिन एंड MSH, ये भी नहीं होगा. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 89 के अंदर पूछा है टिटेनी दैट इज रैपिड स्पाज्म इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम आयंस इन बॉडी फ्लूड इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ. किसकी कमी की वजह से ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा और उसकी वजह से रैपिड स्पाज्म जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है मसल्स के अंदर, जिसको टिटेनी बोला जाता है, वो किसकी वजह से होता है. तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन नहीं. सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है पैराथार्मोन. डेफिनेटली पैराथार्मोन जो है वो कैल्शियम मेटाबोलिज्म के अंदर पार्टिसिपेट करता है और ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, हाइपर कैल्शियमिक फैक्टर की तरह काम करता है. अब जब पैराथार्मोन जो है इसका लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाएगा तो ब्लड के अंदर डेफिनेटली कैल्शियम लेवल गिरेगा और कैल्शियम लेवल गिरने की वजह से हाइपोकैल्शियमिक कंडीशन की वजह से ही टिटेनी या रैपिड स्पाज्म जैसी कंडीशन डेवलप होती है. इसी वजह से क्वेश्चन में भी यही पूछा है कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है. तो आंसर आएगा पैराथार्मोन. थर्ड में दिया हुआ है कॉर्टिसोल, नहीं ये ग्लूकोज के रेगुलेशन में काम करता है, के लिए हेल्पफुल होता है. ऐसे ही एल्डोस्टेरोन, नहीं ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 89 के बाद में 90 के अंदर पूछा है सेलेक्ट दी हॉर्मोन्स
विच आर सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस. कौन से हार्मोन हाइपोथैलेमस के अंदर सिंथेसाइज्ड होते हैं उनसे रिलेटेड ऑप्शन देखना है. पहला दिया हुआ है ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, बिल्कुल हाइपोथैलेमस जो है उससे रिलीज होता है और एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाएगा. ऐसे बी एम एस एच आई एच मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और उसका भी इनहिबिटिंग हार्मोन जो है या फैक्टर से रिलेटेड बात कर रहा है ये भी होगा. सी में दिया हुआ है वेजोप्रेसिन, बिल्कुल ये भी होगा. और डी में दिया हुआ है ऑक्सीटोसिन, ये भी होगा. ऐसे ही दिया हुआ है एफएसएच. एफएसएच की बात करें तो नहीं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलेटेड सिक्रीट होने वाला हार्मोन है. क्वेश्चन में अंदर पूछा है सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होने वाले हार्मोन्स पूछे हैं, इसी से रिलेटेड ए बी सी और डी है. ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, ए बी सी ओनली नहीं, ए बी सी एंड डी ओनली. बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 91 के अंदर पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ ए हार्मोनल एक्शन बाय इंटरैक्टिंग द इंट्रासेलुलर By interacting intracellular receptor. Intracellular receptor की बात करें तो जो fat soluble hormones हैं उनकी mechanism से related यहाँ question पूछा है और उसकी भी correct sequence पूछा है जो जो भी events होंगे hormone के द्वारा उन events से related. A में दिया हुआ है entry of hormones in a target cell. टारगेट सेल के अंदर हार्मोन की पहले एंट्री होगी, डेफिनेटली फैट सोल्युबल हार्मोन होगा तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए एंटर कर जाएगा. सबसे पहला यही स्टेप होगा, इसको डाल दो एक नंबर. उसके बाद में दिया हुआ है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंड्स ऑन स्पेसिफिक जीन्स. नहीं, पहले तो ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये बनेगा, इसी वजह से थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, तो सेकेंड नंबर पे होगी ये इवेंट्स. उसके बाद में जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में ये बाइंड अप होगा स्पेसिफिक जीन्स के साथ और जीन एक्सप्रेशन जो है उसकी एक्टिविटी देखने को मिलेगी. इसी वजह से बी वाली ला जो पोर्शन है ये इवेंट होगा थर्ड नंबर पे. फिर चेंज इन जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन जो है उसमें बदलाव होगा, फोर्थ नंबर पे ये इवेंट देखने को मिलेगा. और उसी की वजह से चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ टारगेट सेल, टारगेट सेल की फिजियोलॉजी जो है उसमें बदलाव देखने को मिलेंगे, तो यह आएगा फिफ्थ नंबर पे. अब पूछा है अरेंज दीज स्टेप्स इन करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग द एक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन. स्टेरॉइडल हार्मोन के रेफरेंस में इन इवेंट्स की करेक्ट सीक्वेंस आपको देखनी है, तो सबसे पहले ए उसके बाद में सी, सबसे पहले ए और उसके बाद में सी, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है. ओनली सेकंड उसके बाद में दिया हुआ है बी और उसके बाद में दिया हुआ है डी और उसके बाद में ई. इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें तो 91 का करेक्ट आंसर जो है होगा सेकंड वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो इसमें पूछा है विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस के रेफरेंस में रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो आपको ऑब्जर्व करना है. पहला स्टेटमेंट जो है वो पूछा है इट इज बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन एंड कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई एंड दे प्रोड्यूस हॉर्मोन्स. सही बात है, सारी इंफॉर्मेशन सही रिप्रेजेंट की है. डायनसेफेलॉन का बेसल पार्ट बनाता है ये और सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जिनको न्यूक्लियाई बोलते हैं और हार्मोन प्रोड्यूस कर सकती हैं वो. जीएनआरएच इज स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच इंक्रीज द रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स. इंक्रीज द रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स इनहिबिटिंग जीएनआरएच की बात करें तो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो एक्टिविटी को इंक्रीज करवाने का काम करेंगे. बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल करेक्ट फंक्शन है. आगे दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में सोमेटोस्टेटिन रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन. इनहिबिटिंग हार्मोन की बात करें या सोमेटोस्टेटिन की बात करें तो डेफिनेटली ये भी इनहिबिटरी नेचर का हार्मोन है और इनहिबिटरी नेचर का हार्मोन जो है इनहिबिट करेगा रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन को, रिलीज होने को इनहिबिट कर सकता है. सही बात है. फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज नॉट अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस. ये गलत इंफॉर्मेशन है. पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो इज नॉट नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, ये स्टेटमेंट होगा. हाइपोथैलेमस की डायरेक्ट कंट्रोल में होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ इज नॉट. इसी वजह से अगर क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें तो इसका आंसर होगा फोर्थ वाला. रॉन्ग स्टेटमेंट आपको देखना है और रॉन्ग स्टेटमेंट है फोर्थ.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी मैसेंजर. सेकेंडरी मैसेंजर कौन सा नहीं है. पहला ऑप्शन में दिया हुआ है CAMP साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड CGMP. बिल्कुल ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह कंसिडर करेंगे इनको. कैल्शियम की बात करें CA++, ये भी सेकेंडरी मैसेंजर होता है. IP3 आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट की बात करें तो ये भी सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है. लेकिन फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है प्रोटीन काइनेज सी. प्रोटीन काइनेज की बात करें तो एक प्रकार का एंजाइम है और ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट नहीं करता. और क्वेश्चन में भी यही पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी मैसेंजर. क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो 93 का आंसर होगा फोर्थ वाला. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 94 के अंदर पूछा है विच इज नॉट फंक्शन ऑफ कैटेकोलेमाइंस. कैटेकोलेमाइंस की बात करें तो एड्रेनल मेडुला जो है उससे रिलीज होने वाले एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन या फिर एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो है उनके फंक्शन से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन पूछना चाह रहा है कि कौन सा उनका फंक्शन नहीं है. फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है इंक्रीज हार्ट बीट एंड पाइलो इरेक्शन. बिल्कुल हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करवाता है एड्रेनालिन वगैरह. और पाइलो इरेक्शन की बात करें तो गूज फ्लेश कंडीशन रोंगटे खड़े होने वाली जो कंडीशन होती है वो भी कैटेकोलेमाइंस के द्वारा होती है. तो ये स्टेटमेंट तो सही है. सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रेक्शन एंड प्यूपिलरी डायलेशन. हार्ट बीट रेट की बात करें या हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन की बात करें तो उसकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है. और दूसरा आई की अगर बात करें तो प्यूपिलरी डायलेशन की बात करें तो प्यूपिल को डायलेट करता है. इसी वजह से ये बात भी सही है. थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है इंक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पायरेशन एंड स्वेडिंग. डेफिनेटली इमरजेंसी की कंडीशन या फिर इन कैटेकोलेमाइंस के द्वारा जो रेस्पायरेटरी रेट जो है ब्रीथिंग एक्टिविटी जो है वो भी बढ़ जाती है और स्वेडिंग जो है उसको भी ये इंक्रीज करवाता है. फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज एंड रीअब्सॉर्प्शन ऑफ Na+. ये गलत इंफॉर्मेशन है. प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज एंड रीअब्सॉर्प्शन ऑफ Na+ की बात करें और क्वेश्चन के अंदर भी नॉट फंक्शन ऑफ कैटेकोलेमाइन पूछा है. इसी वजह से ये कैटेकोलेमाइन या एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन का फंक्शन नहीं होगा. 94 का आंसर होगा फोर्थ वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 के अंदर पूछा है ए वुमन हैज पिट्यूटरी gets damaged can have a baby if C is given. एक स्त्री जिसकी पीयूष ग्रंथि नष्ट हो गई है एक बच्चा धारण कर सकती है अगर उसे दिया जाए. जब पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज हो चुकी है तो उस कंडीशन में अगर किसी फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो कौन से हॉर्मोन्स जो हैं उनके द्वारा उस प्रेगनेंसी को कंसीव करवाया जा सकता है जब पिट्यूटरी ग्लैंड जो उसकी डैमेज हो जाएगी. तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी को कंसीव करने की बात करें तो FSH हॉर्मोन जो है वो ओवरी के द्वारा ओवुलेशन FSH एंड LH हॉर्मोन जो है वो फॉलिकुलर डेवलपमेंट के लिए और ओवुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. अब एक बात बताइए जब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो डैमेज हो गई तो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी वाले पोर्शन से FSH एंड LH रिलीज होने वाला काम जो है वो नहीं हो पाएगा. और जब FSH एंड LH ही नहीं रिलीज होंगे तो फॉलिकुलोजेनेसिस की बात करें या ओवुलेशन की बात करें तो वो प्रोसेस नहीं होगी. लेकिन उसी कंडीशन में भी जब डैमेज हो रखी है तब भी प्रेगनेंसी कंसीव करवानी है तो उसको क्या करना चाहिए. उसको डेफिनेटली FSH एंड LH की थेरेपी चाहिए. अब ऐसा ऑप्शन देखना है आपको. फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 20 मिलीग्राम ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ईच फॉर 14 डेज. नहीं ये जरूरी नहीं है. प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए मेनली ओवरी से ओवुलेशन और फॉलिकुलर डेवलपमेंट जो है वो होना जरूरी है. सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्ट्रोजन एवरी डे फॉर 28 डेज. नहीं ये भी ठीक नहीं है. थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ FSH एंड LH ईच डे एंड लार्ज LH ऑन 14 टू 15 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन है. अगर ईच डे की बात करें तो FSH एंड LH का स्टिमुलेशन देना पड़ेगा पहले इनिशियल 13 टू 14 या 15 डेज तक और उसके बाद में 14 टू 15 डेज के लगभग की बात करें तो LH सर्ज होता है जिसकी वजह से ओवुलेशन होता है. इसी वजह से उस टाइम में LH जो है उसका लेवल जो है वो लार्ज अमाउंट के अंदर इंसर्ट करवाना पड़ेगा. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसके 14 टू 15 डेज LH का लार्ज अमाउंट एंटर करवाएंगे तो ओवुलेशन होगा और ओवुलेशन के बाद में कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन होके और इम्प्लांटेशन के बाद में कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी की बात करें तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी कंसीव की जा सकती है. तो क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो इसका आंसर होगा थर्ड वाला. फोर्थ ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ FSH
एंड एल एच ऑन 10th डे, नहीं स्मॉल क्वांटिटी ने जो है एफ एस एच एंड एल एच की वो 10th डे नहीं, इनिशियल डेज की बात करें तो वो तो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर, और 14 to 15 डेज की बात करें तो ओवुलेशन जो है एल एच सर्ज की वजह से होता है, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर जो है वो होगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है। द एक्सोक्राइन पार्ट एक्सोक्राइन पैंक्रियाज कंसिस्ट ऑफ आइसोलेट ऑफ लैगरहैंस, आइसोलेट ऑफ लैगरहैंस की बात करें तो बेटा ये एंडोक्राइन पार्ट जो है वो होता है पैंक्रियाज का, एक्सोक्राइन पार्ट नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड के अंदर दिया हुआ है द टू मेन टाइप ऑफ सेल्स इन आइसोलेट ऑफ लैगरहैंस आर कॉल्ड अल्फा एंड बीटा सेल्स, बिल्कुल सही बात है। आइसोलेट ऑफ लैगरहैंस की बात करें पेंक्रियाज के अंदर तो मेनली दो टाइप की सेल्स अल्फा एंड बीटा सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनसे ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है, बिल्कुल सही बात है। आगे थर्ड ऑप्शन के अंदर वो दिया हुआ है देर आर 1 to 2 millions आइसोलेट ऑफ लैगरहैंस इन ए नॉर्मल ह्यूमन रिप्रेजेंटिंग ओनली 11 to 12, नहीं 1 to 2% पार्ट होता है ये ऑफ द पैंक्रियाटिक टिश्यू, ये स्टेटमेंट भी ठीक नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है प्रोलॉन्ग हाइपरकैल्सेमिया लीड टू ए कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस, नहीं डायबिटीज इंसिपिडस की बात करें तो एडीएच के हाइपोसिक्रीशन की वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है, इसी वजह से विच क्वेश्चन के अंदर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा और करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो वो है सेकेंड वाला, इसी वजह से आंसर होगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो इसके अंदर पूछा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है। द सिक्रीशन ऑफ पीटीएच इज रेगुलेटेड बाय The circulating level of calcium ions. Incorrect statement आपको देखना है और इन पैरेलल ऑप्शन में दिया हुआ है the secretion of PTH is regulated by the circulating level of calcium ions, सही बात है। ऐसे ही सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है TCT thyrocalcitonin is a protein hormone, ये बात भी बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है aldosterone is the main glucocorticoids, aldosterone glucocorticoid नहीं mineralocorticoid होता है, glucocorticoid तो cortisol को consider करेंगे यहाँ पे in our body, इसी वजह से incorrect statement पूछा और incorrect statement की बात करें तो वो होगा थर्ड वाला। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है एंड्रोजन प्रोड्यूस एनाबोलिक सिंथेटिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो इसका आंसर होगा बेटा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन, गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन यानी कि कौन सा हार्मोन जो है वो गोनेडोट्रॉफिक नहीं है, गोनेड्स की एक्टिविटी जो है उसको अल्टर नहीं कर सकता, उससे रिलेटेड पूछा है। एफएसएच की बात करें तो डेफिनेटली ये गोनेडोट्रॉफिक है, एक प्रकार का गोनेड्स के ऊपर इसका एक्शन देखने को मिलेगा। ऐसे ही एफएसएच की बात करें तो इसका भी एक्शन देखने को मिलता है। ऐसे ही प्रोजेस्ट्रॉन की बात करें तो प्रोजेस्ट्रॉन जो है ये गोनेड्स से रिलीज होता है, इसी वजह से प्रोजेस्ट्रॉन जो है ये एक प्रकार का गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला। एचसीजी की बात करें तो एचसीजी का भी गोनेड्स के ऊपर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो इसका आंसर होगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो इसके अंदर पूछा है अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड कांसेप्ट ऑफ हार्मोनल एक्शन इफ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम टारगेट ऑर्गन्स देन द टारगेट ऑर्गन विल बी कंटिन्यू टू रेस्पॉन्ड टू द हार्मोन्स विदाउट एनी डिफरेंस, नहीं डेफिनेटली जब आपने हार्मोन से रिलेटेड रिसेप्टर जो है सेल्स या टारगेट ऑर्गन से वो रिमूव करवा दिए तो डेफिनेटली आपको उस सेल या टिश्यू या ऑर्गन के ऊपर उस हार्मोन का इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिलेगा, वैसा ऑप्शन आपको देखना है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है नॉट रेस्पॉन्ड टू द हार्मोन, बिल्कुल सही बात है, जब आपने हार्मोनल रिसेप्टर जो है वही रिमूव करवा दिए तो उस हार्मोन से रिलेटेड कोई भी रेस्पॉन्स आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला। थर्ड में दिया हुआ है कंटिन्यू टू रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। फोर्थ में दिया हुआ है कंटिन्यू टू रेस्पॉन्ड टू द हार्मोन बट इन द ऑपोजिट वे, नहीं सेकंड आंसर इसका करेक्ट दिया हुआ है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो इसके अंदर पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्मड बाय द थायरोक्सिन, थायरोक्सिन के द्वारा कौन सा फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं किया जाएगा। पहला ऑप्शन दिया फर्स्ट में दिया हुआ है ए के अंदर रेगुलेशन ऑफ बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करना, बिल्कुल ये तो फंक्शन होता है थायरोक्सिन का।
यानी कि ए सही है। उसके बाद में सपोर्ट ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी प्रोडक्शन के अंदर भी सपोर्ट करता है। ऐसे ही रोल इन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल इसमें भी ये भी इन्फ्लुएंस होगा थायरोक्सिन का। ऐसे ही डी के अंदर पूछा है हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल ये भी सही बात है। ऐसे ही आगे दिया हुआ है ई के अंदर एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ऑफ पीटीएच, पैरा तो हार्मोन की बात करें तो उसके एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, बिल्कुल थायरोक्सिन की बात करें तो ये एंटागोनिस्टिक इफेक्ट नहीं करेगा पीटीएच के अगेंस्ट। और क्वेश्चन के अंदर भी पूछा है फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड, ये एंटागोनिस्टिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 100 के अंदर ऑप्शन आएगा ओनली ई, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ऑफ पीटीएच, नहीं ये फंक्शन थायरोक्सिन के द्वारा नहीं होगा, बाकी सारे फंक्शन होंगे। 100 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला। इसी के साथ अपन ने 100 क्वेश्चन जो है वो पूरे कवर कर लिए। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।